पायो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपी सर्व पिता दत्त श्री राधाकांत नमस्तुते तत्र कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसय गोसाई करी चरण बंदन जाहित विघ्ननाश अभीष्ट पुरन वृंदाय तुलसी देवकै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः तमादि देवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपम् जन्म प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन निरहकातर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतया गर्वो विनिधुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सबका हाथ लो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अपना पूर्ण नाम सुनो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम मेरे गुरुपाद पद्मा मित्रिला प्रभिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा मित्रिला प्रभिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला वामन गोस्वामी महाराज नितलीला प्रभुष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित तीर्थपादगण भक्तिवेदांत श्रीला जाचक महाराज श्रीला पुरी महाराज नागसिंह महाराज निरीह महाराज और साधु महाराज अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं तथागत को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे अजन्मा होते हुए भी जन्म लिए, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अजो अपि सर्ण अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर अपि सर्ण प्रकृति समधिष्टाय सर्ववान आत्मनः। हम लोग कहते हैं ना अरे हम भी जन्म लेते हैं भगवान ऐसे ही जन्म ले लिया, हम भी मरते हैं भगवान भी मर जाते हैं। कृष्ण कहते ऐसे नहीं, कहते जन्म कर्म चमे दिव्य, कहते हे अर्जुन मेरा जो जन्म और जो कर्म है वो अवलौकिक दिव्य है। आप बताओ कोई बच्चा जन्म लेने से पहले
चतुर्भुज रूप दर्शन लेता है, चतुर्भुज रूप और पूर्व जन्म की सारी बात सुनाता है। पहले तुम हमारे पिता माता रूप में थे, एक जन्म नहीं, जब जब इस जगत में मैं आता हूँ तब तक आप हमारी पिता माता बन करके आते हो। अभी मैं जो छोटा बालक बन जाऊँगा मेरे को लेकर के वहाँ गोकुल ले जाना और गोकुल से वहाँ से बेटी को ले आना, कोई ऐसे बोलते हैं क्या? इसलिए कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमी दिव्य, इसलिए मेरे जो जन्म जो कर्म है ये अवलौकिक अपराकृत ये दिव्य है। अगर ये मेरे जन्म कर्म को अगर सही सही तत्वपूर्वक अगर कोई जान ले तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन, जब वो शरीर छोड़ता है तो इसी जगत में दो बार जन्म नहीं लेता है। इसलिए मैं अजय होते हुए भी हम लोग का जन्म कैसे है, हम लोग अपना कर्म का फल को भोग करने के लिए हम लोग को बाध्यता पूर्वक जगत में आना ही पड़ता है, लेकिन भगवान हम लोग महामाया को द्वारा इस जगत में जन्म लिए, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपना योग माया को आश्रय करते हुए इसी जगत में मैं आता हूँ। इसलिए हमारी जैसे भगवान का जन्म नहीं, इसलिए प्रश्न है फिर भगवान अज्ञ होते हुए भी वो अजन्मा होते हुए भी फिर जन्म क्यों लेते हैं? तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी इसी पर में उन्होंने बहुत बहुत कुछ बात बताया, कम से कम इसको पीछे उन्होंने 10 कारण बताया। आज मैं बताऊंगा, कल आपसे भी सुनूंगा, ठीक है? आज के आम ही बोलो कल के अपराधी का से आभार आप सुनूंगा, इसने अपना मन दिए सुनो कल के हमारे हमारे बोल रहे, ठीक है? हरे कृष्णा। इसलिए श्री हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं जगत में आने का कुछ उनको साधारण कारण है और जगत में आने का कुछ विशेष कारण है। कहते साधारण कारण क्या है? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान श्रीयाम्यहम्। भगवान क्यों आते हैं? बोले जब जब इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म की हानि होने लग जाए, स्त्री ब्राह्मण गो वैष्णव उनको ऊपर में अत्याचार होने लग जाए, भगवान कहते हैं इसी जगत में मैं तब तब जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को विरह से दूर करता हूँ, उनको रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। ये पहला कारण है। फिर दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। कहते मैं भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए आता हूँ। अगर भगवान जन्म नहीं लेते, अगर इतने मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी लीला नहीं करते, फिर क्या हम बैठ कर कथा सुनते थे? अपना घर में बैठ कर टीवी देखते और बेटा बेटी नाती पोतियों को लेकर उसमें डूबे रहते, हमारे कल्याण ही नहीं होता। इसलिए कहते मैं भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए जगत में जन्म लेकर के मैं मधुर मधुर में लीला करता हूँ। कितना कारण हो गया, कितना कारण हो गया? हम लोग कोई गिर नहीं रहे, कैटा कारण हो दूर काल क्या सवाल कीजिए यहाँ से देखो के बोलते वाले। तृतीय कारण बोल छे दत्तकल्ले हमारा श्रवण कर चला जब हर देव की वसुदेव मेरे कारागार भगवान चतुर्भुज रूप दर्शन दे। देव की वसुदेव बोल रहे प्रभु आमी तो तुम्हारे बालक रूप पावार जने तपस्या कर चला, तुम ये चतुर्भुज धारण करे और चमकीले चमकीले वस्त्र घुंघराली केश और मुकुट चतुर्भुज रूप ने किया क्या ना ले? तमन भगवान बोल चन देखो पूर्व जन्म तुम्हारा प्रिष्णी आग सुतवासी तुम्हारा राजा रानी चिले किंतु तुम्हारा कोनो विषय भोग करनी समस्त विषय भोग के परित्याग करी वृखत के जे सुपन पाता पेट पड़ी जे तो ओके किए तुम्हारा 10,000 वर्ष वर्जन तुम्हारा तपस्या कर आमी जब हमें संतुष्ट होए दर्शन मिला बोले की चाहिए? बोले प्रभु तुम्हार मत पीछे ले जाए। भगवान बोले हमी तो असमर्थ तत्व
એને ઉપનિષદ બોલશે ન તત સમસ્યાર્થ અધિકસ્ય દર્શતે ભગવાન કે જે બડેરે કથા છેડી દી ભગવાન ને સમાને ઉપયોગ એને તમે અમાકે છેલેર મત ચાવ ના એટલે ઠીક આછે આગળ જન્મ આમી તમાર છેલે હોઈ આસો એટા હલો તૃતીય કારણ હા એટા હલો તૃતીય કારણ ચતુર્થ કારણ કી એટલે દ્રોણ આર ધારા એરાવ કઠોર તપસ્યા કરી હે એરાવ કઠોર તપસ્યા કરી તાલ તપસ્યા કરી એરા તો વિષ્ણુ કે ઉપાસના કરે છે કિંતુ ઉની ઉપાસના કરે ને પિતામહ બ્રહ્મા કે જેખાને બ્રહ્મા સંતુષ્ટ હોલે બોલે કી ચાવ બોલે પ્રભુ અમારા ચારી જે ભાવે એકટી સંતાન મા ગર્ભ તકે જન્મ ગ્રહણ કરે મા તકે અંગુળ ધરે ટુમ ટુમ કરી ચાલાને શીખાય હે શાસન કરેલે મા તકે શાસન કરે હા તકે નોની ખવાય પલ્લા રકબે ઝુલાય આને ચારી ભગવાને પ્રત્યાતે વાત્સલ પ્રેમ પ્રગટ કરે તેની જાતે અમાર ગોપાલ હોય આસ્તે પાય હે તમારા બ્રહ્માતેની તથા સુબલને બ્રહ્માતેની તથા સુબલને કોઈ જે દ્રોણ ધારા છિલ એને કી હોય છે માં એકથી ભાલો કથા ભૂષકે ચેષ્ટા કરી દે એ જે દ્રોણ ધારા છિલ એના નંદ જશોદાર મધ્ય પ્રવેશ કર્યા છે કેમના નંદ જશોદાર દેવકી વસુદેવ એરા ભગવાન નિત્ય પિતા માતા હે કોઈ જે કૃષ્ણ સુતપા એરાઓ દેવકી વસુદેવર મધ્ય તદાત્મ હોય મિલે આસે દ્રોણ ધારા જેમને જશોદા નંદ એલો તમને પરા એના મધ્ય પ્રવેશ કર જેમને પ્રવેશ કરલો જેમને શ્રી નંદ જશોદા તારા કોઈ વાત્સલ રસ કે આસ્વાદન કરલો એ સ્વાભાવિક રૂપે તારા શ્રી વાત્સલ રસ કે આસ્વાદન કરલો હા એખાને તિની અમાદરે ટીકાકાર બોલચે એકજણ તિની ઉપાસના કરલે વિષ્ણુ કે અરે એકજણ ઉપાસના કરલે બ્રહ્મા કે ભલે એર મતે પાર્થક્ય કે એકજણ ચાય છે તમાર મત છેલે ચાય એકજણ ચાય છે ને વાત્સલ્ય રસ ચાય એખાને શિક્ષા દી છે ભગવાન કે ઉપાસના કરાતે કે જેની તાર ભક્તર ઉપાસના કરાવના ભાલો ફળ પાવે તાતે કો શ્રેષ્ઠ ફળ પાવા જાય એકજણ ચાહે છેલ્લે હોય આસો તમારે છેલ્લે જાય એકજણ ચાહે છે તમારે વાત્સલ રસ આસ્વાદન કરો એકજણે કૃષ્ણ મથુરા કે તો પ્રગટ હોલે કીધું ઓના કે કોલે નીએ કે તાકે આબદાર કરું તાકે કે ભાલો આસલો તાકે પાલનાર મને કે જુલા નંદ આર જશો શિક્ષા દીછે શિક્ષા દીછે ભક્તર ઉપાસના હોય શ્રેષ્ઠ ઉપાસના તાર ઉપાસના તાર ભાલો ફળ પાવો ભગવત ઉપાસના તે કો ભલ ભલ પાવો એને કેટલા કારણ હો ગયા કેટલા કારણ હો ગયા ચાર કારણ હો ગયા એક કે બિના કલ સબ પૂછુંગા દેખુંગા કમ સે કમ એક એક કારણ આપનાર બોલને ઠીક છે મન દે સુન એર પંચમા કારણ તને બોલ છે બોલે જી સમય ભગવાન રામ ઓર લક્ષ્મણ સીતા કો ગઈ વનવાસ મે ગઈ અભી સુપણે થા પ્રભુ રામ રૂપ દેખ કે મુક્ત હો ગઈ देख करके इतनी कामातुर हो गई बड़ी सुंदर रूप धारण करते हुए आई बोले आप मेरे को अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो बोले ऑलरेडी मेरी एक पत्नी है सीता अभी लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए जब लक्ष्मण वापस आया बोले भैया ये भी कम सुंदर नहीं ये भी बड़े सुनीला है ये भी बड़े सुंदर है बोले ये कौन है बोले मेरे छोटे भैया है बोले पत्नी नहीं बोले अभी तो कोई पत्नी है नहीं बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है पूछ करके देख लो बोले लक्ष्मण तुम मेरे से शादी कर लो लक्ष्मण ने कहा अभी तो तुमने बड़ी भैया से कुछ मांग रही थी बोले वो मेरे प्रेम को समझा नहीं ये बात को छोड़ो तुम मेरे से ब्याह कर लो शादी कर लो बोले ये बताओ तुम रानी बनना चाहती ना सेविका बोले रानी बोले मैं तो राम का सेवक हूँ मेरे से शादी करोगे ना फिर जिंदगी भर सेवा करते करते थक जाओगे कहाँ रानी बनने की तुम स्वप्न देख रहे हो जाओ राम शरण में जाओ राम ने फिर इनकार कर दिया बोले मेरे को पता तुमको पता ही मैं कौन हूँ मैं रावण की बहनी हूँ अभी ये सीता को मैं अभी खा जाती हूँ तभी तो शादी करोगे जब सुपर्णखा अपना स्वरूप में आ गई सीता को खाने के लिए गई भगवान राम ने लक्ष्मण का आदेश दिया उन्होंने उसको नाक काटने का है
प्रश्न है भैया शादी नहीं करना तो शादी नहीं कर तो उसका नाक काने क्यों काट दिया? कहिए लक्ष्मण गुरु है, गुरु का काम है जीव को उपयुक्त बना करके ठाकुर को शरण में लगा, ठाकुर जी की सेवा में लगा। इसलिए लक्ष्मण समझ गए उसने ऑलरेडी भगवान राम को हृदय में बैठा दिया और भगवान भाव ग्रहण करा था, भगवान सभी के भाव को ग्रहण करते हैं। हैं अभी तुम अभी राम की तुम बन गए, अभी किसी की नहीं बननी चाहिए। एक स्त्री कितनी सुंदरी क्यों नहीं हो, अगर उसका नाक कान काट दो दुनिया में उसको कोई पूछेगा? जगत में उसको कोई पूछेगा? अपना हिंदी बुझते बार से ना किस ताका से बुझते बार से कारा हिंदी बुझते बार से ना क्या ना अल्प अल्प टीवी देखे ना। इसलिए कहते एक स्त्री जब तो सुंदरी हो ना कर लेकिन नाक कान कट दिया है ना तो कहते के बाहर जीजा से डर लेना ऐसे ना उन्हें नाक कान दिनी कट दिले माने तुम्हें केवल रामेर हुई ना कोई सुपर्ण का जब कृष्ण रूपे आसे तब न दिनी खूब जा हुई आसे अवार भगवान का के सीधा कर कहते ये एक टी ये भी एक कारण है। कितना कारण हो गया? कहते पांच कारण हो गया। बोले छठवा कारण किया है कल आप लोगों ने देखा भगवान जब बलि है जिस समय भगवान वामन देव श्री बलि महाराज का दरबार में आए बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। कहते माताओं का एक स्वभाव है अगर किसी छोटे सुंदर किसी बच्चे को देखे ना उनको इच्छा करता है साथ गोद में ले और प्यार करे। अभी वो सोच रही है भगवान स्वयं वो वामन बन करके आए, अभी उनकी बेटी सोच रही है अगर ये मेरे लाला बन करके आता है ना इसको तीन बार मैं गोद में लेकर मैं प्यार करती हूँ। भगवान समझ गए बोले कोई बात नहीं अगले जीवन में मैं तेरे लाला ही बन करके आ जाऊँगा। लेकिन जिस समय भगवान वामन देव एक पद में भूर भूग मोह जन तपस लोक नाम लिया, दूसरे पद में अतल पीतल तलातल पाताल बोले बताओ बड़ा डी यहाँ करा था इतना दान दूंगा कहीं तुम्हें चोली पसारने का जरूरत नहीं बताओ तीसरे पद खार इतने में गरुड़ को बुला कर जो मैंने नाग खास बंधन में बांध दिया। उसका बेटी सोच रही थी बोले भगवान ये तो बड़े छोटा दिख रहा था लेकिन ये बड़ा खोटा सा निकला तो बड़ा बदमाश निकला, मेरे पिताजी का सब कुछ हड़प लिया और फिर पिताजी को बांध भी लिया। अभी वो सोच रही है अगर तुम मेरे बेटे बन कर के आओगे ना तेरे को मैं स्तन क्या पिलाऊंगे तेरे को मैं जहर पिलाऊंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं तेरे लाला बन करके आ जाना जहर भी पिलाऊंगा। तेरे वो क्या बन करके आती है कृष्ण लीला में क्या बन कर आती है? वाह वाह सब पंडित बैठे इसलिए ये उतना बन करके आती है और भगवान है उसका स्तन पान करते हैं। ये भी एक कारण कितना हो गया? कितना हो गया? छह हो गया। कहते जो सप्तम कारण है जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग गोपाल मंत्र का उपासना कर रहे थे लेकिन मंत्र तो जप कर रहे थे लेकिन मंत्र जप करने में ना कोई उत्साह नहीं था, करना चाहिए कर रहे थे लेकिन मन में कोई उत्साह नहीं था। लेकिन जिस समय भगवान राम आए राम श्याम एक ही है वो एक ही है अभी उन्होंने राम को देख करके ना श्याम किया था क्योंकि गोपाल मंत्र का उपासना कर रहे थे। अभी उन लोगों ने उनको पति रूप में प्रार्थना की राम ने कहा नहीं ये रामावतार में एक सीता के सिवाय मैं और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ मैं फिर कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। ये भी एक कारण कितना सात हो गया। आठवां कारण बताए कहते वामन पुराण में आता है कहते जो वेद मंत्र का जो मंत्र है जितने ऋचा है जितने मंत्र है ये लोग भी कृष्ण को कठोर तपस्या की। जब कृष्ण दर्शन दिए बोले बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु गोपियां जैसे तुम्हें भजन की है गोपी जैसे भाव से हमको पाना चाहता हूँ। कृष्ण बोले नहीं ये चीज मैं नहीं दे सकता हूँ तुम लोग और कोई चीज मांगो क्योंकि ये चीज अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन मंत्रों ने बताया नहीं हम तो यही चाहते केवल गोपी भाव सहित में भजन करना चाहते। तब कृष्ण ने बताया ठीक है
तुम लोग फिर द्वापर युग में फिर तुम गोपी बन कर जाओ, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये एक कारना हो गया, कितना हो गया, आठवां कारना हो गया। नवामा कारण बताए, बोले जिस समय राम लक्ष्मण सीता को जनकपुरी में गए, इतने में राम लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ गुरु श्री विश्वामित्र जी से बोले, बोले गुरुदेव हमें थोड़ा आदेश दो कि जनकपुरी का दर्शन करके आओ। हमने सुना बड़ा सुंदर है। विश्वामित्र जी ने कहा दर्शन करना नहीं, जनकपुरियों को दर्शन देख लिया। अभी राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में प्रवेश किया, क्या दोनों सुंदर भैया हैं, जैसे मान एक साथ में चंद्र और सूरज प्रकट हो गए। क्या उनकी हाथी जैसे चाल, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर और एक नीलांबर परिणमी, अद्भुत जोड़ी। अभी जिस गली में जाए ना वो हल्ला मचा देती हैं, क्या दो सुंदर बालक आए हैं। बोले श्री राम लक्ष्मण की, अब जोर जयकार था, बोले श्री राम लक्ष्मण की। अभी जिस गली में जाए, अभी जिस गली में जाए उसी गली में हल्ला हो जाता है। सब के सब कोई झरब से कोई छत के ऊपर से सब के सब प्रभु को दर्शन कर रहे थे। इतने में जो छत के ऊपर में दर्शन कर रहे थे खड़ी होकर के, जो किशोरिया, अभी भगवान राम का एक स्वभाव था वो कभी भी सर उठा करके नहीं देखते थे, सर को नीचा करके, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। कभी उन्होंने किसी स्त्री की मुखार बिंद को कभी उन्होंने दर्शन नहीं किया। सबसे पहले केवल उन्होंने सीता जी को देखा, सबसे पहले स्त्रियों में केवल सीता जी को ही देखा, उसको पहले किसी स्त्री की उन्होंने कभी आंखों मिला कर कभी उन्होंने देखा ही नहीं। भगवान राम साथ नीचे करके जा रहे थे और इतने में जो छत के ऊपर में जो किशोरिया खड़ी थी ना, अभी प्रभु का दर्शन करना चाह रहे थे लेकिन प्रभु तो सर नीचा करके जा रहे थे। और इन लोगों ने था खासे, बोले प्रभु थोड़ा सर ऊंचा करे फिर कहा हम उनको दर्शन करें। हाँ जब थोड़ी सी खासे, अब पीछे पीछे लक्ष्मण आ रहे थे, लक्ष्मण गुरु है, गुरु का काम क्या है, जीव को भगवान से मिलन कराना। इतने में लक्ष्मण जी ने राम को बोले, बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर सर ऊंचा करके देखो। बोले लक्ष्मण खबरदार, ये मायापुरी है, जनकपुरी मायापुरी, इधर उधर देखना नहीं, एकदम नाक के सीधा देख करके जाओ, इधर उधर मत देखा करो। बोले प्रभु एक बार तो देखो, अभी गुरु की करना वैष्णव आवेदन है, कृष्ण दयामय और एह न पामर प्रति हवे न सदय। जब वैष्णव लोग प्रार्थना करते हैं भगवान को, फिर तो भगवान, अभी गुरु जी बता रहे हैं, इतने में भगवान राम ने सर को ऊंचा करके उन्होंने ऊपर में देखा, ऊपर में देखा तो प्रभु का रूप देख करके वहां पे जितने सब किशोरियां थी सब के सब बेहोश हो गए। जब उनको होश आया ना, सब के सब राम को पीछे बढ़ गए, बोले हमसे शादी कर लो। राम ने कहा लक्ष्मण देख लिया, पहले बता रहा था देखना देखना नहीं, अब इनसे शादी करो, अब इनसे शादी करो। तब भगवान राम ने कहा देखो इसी अवतार में तो केवल मैं सीता को ही शादी कर सकता हूँ और कोई नहीं, तुम लोग सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, फिर तो तुमसे हम सबके सब शादी करेंगे। वही जो किशोरियाँ थी ये सबके सब द्वापर युग में ये गोपी बन करके आए, प्रभु ने स्वीकार किया। कितना हो गया, नौ हो गया। दसवां कारण बताए, भगवान राम अयोध्या में 11,000 साल तक उन्होंने राजयुद्ध किया, हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे, लेकिन वो धोबी बोलने पर हैं, उनकी आपको पता होगा एक धोबिनी थी, वो गई थी अपना पीहर, जब वो पीहर से वापस आ रही थी उसके एक नदी पार करना पड़ता था, वो हो गया था शाम और रिमझिम रिमझिम में बारिश ही हो रही थी हैं, इतने में जो केवट था वो पार करने में उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं पार कर सकता, रात हो गया बारिश हो रही, उसको मजबूरी से एक रात वो केवट घर में उसको रुकना पड़ा। जब दूसरे दिन वो आई, पति ने पूछा पिछली रात तुमने कहाँ बिताई, पिछली रात तुमने कहाँ बिताई, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले मैं राम नहीं हूँ,
रावण ने सीता को उठा करके ले गया लंका और एक साल तक लंका में रही। और जब उसने वापस आई, भगवान राम ने क्या किया, उनको अपना बराबर आसन दे दिया। मैं राम नहीं हूँ, इसलिए जहाँ तुमने रात बिताया वहीं पर चल गया, वहीं पर अपना जीवन बिताओ, हैं वहीं पर तुमने जीवन बिताओ। इसलिए जब ये बात प्रभु राम को ये बात पता चला, उन्होंने लोक शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, सारा जीवन के लिए उन्होंने सीता जी को त्याग दिया। बोले उन्होंने क्यों त्याग दिया, कारण यही है भविष्य में जो माताएं थी वो सती बन करके रहे, हैं ये सती बन करके रहे, ये आदर्श को दिखाने के लिए यहाँ पर शिक्षा देती है। जो स्त्रियाँ हैं ना, इनको कभी स्वतंत्र रूप में नहीं रहनी चाहिए, शिक्षा विषय में माए बन के स्वतंत्र भावे खाते नहीं। बाल्यकाल के पिता माता जब अधीन था, जब हम बड़ा हो जाए पति के अधीन, जब हम वृद्ध हो जाए तब हम छेले में अधीन आता है, कहते माए बन के स्वतंत्र भावे खाते नहीं। लेकिन ये चीज की शिक्षा देवाल जने भगवान राम की सीता के चिरकालन जनकनी वनवास के लिए बाकी थी, जिनका से स्वीकार करें। कारण की बोले कारण हो जगते स्त्री या सती तो रक्षा करे। उदाहरण दीछे जब हम आटा, यदि आटा के जल ये माखा ना है ना, यदि घर में कोड़ाई देखे वो इंद्र के लिए, और कोई ना कि छाते के ऊपर रखे ना किया हुए वो कहा के खेली के बोल से कहा के खेल लिए। पर जब माए कर जाते कहा तो मैं कर जाते कहा तो सीरत बुझे बात चल तो जेठानी जाने वो खेल लिए। এখানে তাদেরকে কখনো স্বতন্ত্র ভাবে থাকতে নেই, এখানে এখন একটা ডাইভোর্স হচ্ছে না, আগে নিয়ম ছিল মায়েরাকে ঘর থেকে বাইরে যেত না, বেশি লেখাপড়া শিখতো না, একটু সাধারণভাবে লেখাপড়া শিখে গেল, একটু গীতা ভাগবত পড়ার মতো হিসাব করার মতো হয়ে গেছে, এবার বাড়িতে থাকো। তারপরে তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিত, তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিত, আপনার প্রতি কাছে যাও ওইখানে থাকো। কিন্তু এখন আমরা মনে করছি বোধ হয় বেশি লেখাপড়া শিখে গেলে না, বোধ বেশি লেখাপড়া শিখে চাকরি ঠাকরি করলে বোধ বেশি ভালো হবে, একদম না। আমাদের ঋষি মন্দির যে শিক্ষা আছে, যে পর্যন্ত ওই শিক্ষায় শিক্ষিত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত শান্তি থাকবে। বেশি লেখাপড়া শিখলে কি হয়ে যাবে, শান্তি শুরু হয়ে যাবে। আগে ডাইভোর্সের কথা এই বুড়ো মায়েদের জিজ্ঞাসা করে বাবাদের কোনো ডাইভোর্স নাম শুনেছে, এখানে ভারতে 50% ডাইভোর্স হয়েছে। তুমি বিয়ে আমি বিয়ে ছেলে ধরবে কি, আমি কম লেখাপড়া আগে কি হলো একটু ঝগড়া ঝগড়া হলে না আবার মাস বেঁধে দিত, এখন একটু কিছু হলে যাও আমি কি কম আমি লেখাপড়া জানি আমিও নিজে পয়সা কামাই তুমি যাও আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, ইসলিয়ে ভগবান রাম নে স্ত্রীয় কো সতীত্ব রক্ষা করতে কে লিয়ে উনি সীতাজি কো চিরকাল কে লিয়ে উনি ত্যাগ দে দিয়া, উনি চিরকাল কে লিয়ে উনি কো त्याग दे दिया। अभी हाँ अभी त्याग दे दिया। अभी श्री वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम, बगैर पत्नी के तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो, तेरे पिता ने 3 दिन शादी किया ना, तू और ही शादी कर ले। भगवान राम मर्या का को शिक्षा देने बोले नहीं, राम सीता के सिवाय और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता है। बोले यहाँ पर शिक्षा देते पुरुषों के लिए भी शिक्षा दिया, क्या शिक्षा दिया, ऐसे नहीं एक शादी कर दिया और दूसरे स्त्री को पीछे पड़े दिए, एक का संगे बीए करे और अपना उम्मीदवार संग पड़े आ ना। भगवान मर्जा का पुरुषोत्तम बोले राम लीला प्रवेश कर ले तबे कृष्ण लीला प्रवेश करते वाले, बिना राम के शिक्षा करा कृष्ण लीला का अधिकार नहीं। माए देर की शिक्षा दिले सीता की क्या आटा की बीए कर बोले थे, बोले ना केवल राम के इतनी हृदय में दे रखे थे, राम छोड़ा तिनी काके स्वीकार करने हैं। এখানে ভগবান লীলা হল মর্যাদা পুরুষোত্তম লীলা প্রভু, এই জন্যে আভি হ্যাঁ এখন তিনি বলে আর তার বিয়ে করব, বলে আর বিয়ে করতে পারবো না, সীতা ছাড়া আমি আর তাকে গ্রহণ করতে পারবো না, বলে আর কোনো উপায় বের করো, বলে তুমি স্বর্ণ সীতা বানিয়ে নিজের বাম পার্শ্বে রেখে তুমি যজ্ঞ করতে পারবে, বলে তা করতে পারবে। প্রত্যেক বর্ষ তিনি একটি স্বর্ণ সীতা তিনি বানাতে, বশিষ্ঠ তিনি প্রাণ সঞ্চার করতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে যেত। এখানে প্রত্যেক বর্ষের তিনি কি করছেন, একটি একটি যজ্ঞ করছেন, এত সীতা গেল কোথায়, 11,000 সীতা গেল কোথায়, বলে এরা সবাই
কৃষ্ণ লীলাতে গোপী হয়ে গেল। দেখুন এখানে বলছে আমাদের যে কৃষ্ণ না, তিনি এইরকম একটি দেবতা, তার কাছে কানা খোড়া পূজা যে যে আসে না কেন, রাক্ষসী ভাগ্যশ্রী কৃষ্ণ তিনি কাকে ছাড়েনি, কিন্তু রাম না যদি একটু এদিকে রয়েছে ত্যাগে দিদি, কিন্তু আমাদের যে কৃষ্ণ গোবিন্দ, হ্যাঁ তোমার কাছে কিছুই গুণ নেই, কেবল যদি তার কাছে এসে গেছেন তিনি সবাইকে তিনি স্বীকার করছেন। এখানে শিক্ষা দিচ্ছে কার শরণাগত হবেন, কার ভজনা করিবেন, হ্যাঁ কৃষ্ণেরই ভজন করিবেন। বলে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়া লাল জয় জয় শ্রী শ্রী রাম, জয় জয় শ্রী রাম, জয় জয় শ্রী রাম। বৈটি কারণ হলো দশটা হয়ে গেছে, আর আমাদের কবি কর্মগুরু আবার তিনটা কারণ আবার দিয়েছে। কৃষ্ণ জগতে কেন এলো, তিনি একটি তিনি কথা বলছে, বলে কৃষ্ণ এই জন্য জগতে তিনি লীলা করছেন, বলে আত্মা রামশ্চরণয়ো নির্গন্ধ অপি গুরু ক্রমে কুর্বন অহিতুকি ভক্তি ইতম ভূত গুণায়। হ্যাঁ তিনি তিনটি কারণের মধ্যে একটি কারণ তিনি বলছেন, বলে যারা আত্মাতে রামায়ণ করে যেরকম চতুর্সন ছিল, যেরকম যারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিল, যেরকম সুখদেব গোস্বামী প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি ছিলেন, কিন্তু ভগবানের এত সুন্দর সুন্দর লীলা তিনি করছে, সেই আত্মা রাম মুনি ধরিকে সেই পরম ব্রহ্ম জ্ঞানী ধরিকে, বলে কুর্বন অহিতুকি ভক্তি ইতম ভূত গুণ হরি, হরির এইরকম গুণ লীলা তার, যখন সেই লীলা কীর্তন সুখদেব গোস্বামী তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, যখন একটি মাত্র তিনি শ্লোক শুনেছেন আমাদের কৃষ্ণ কত সুন্দর, তিনি গোবিন্দ তিনি কত সুন্দর, কেবল একটি তাহলে শ্লোক শুনেছেন তিনি সমস্ত ব্রহ্ম জ্ঞান বিকার দিয়ে তিনি কুর্বন অহিতুকি ভক্তি, তিনি এই ভগবত ভক্তিতে তিনি এসেছেন, ইয়ে তিনি এই একটা কারণ বললেন। দ্বিতীয় কারণ তিনি বললেন, এক সময়ে চতুর্সন প্রথমে রা ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, হ্যাঁ এক সময় বৈকুণ্ঠ থেকে এক সময় বৈকুণ্ঠ সে ভগবান কে চরণ তুলসী আর চন্দন কা সুগন্ধ তবে ইয়ে বৈকুণ্ঠ সে প্রবাহিত হোকর কে ও ব্রহ্মলোক মে আয়া। আমি ব্রহ্মলোক মে চতুর্সন কি নাস্তিকা মে প্রবেশ করতে হি ও উন্মাদ হো গয়ে, বলে ব্রহ্মা জি কো বলে পিতাজি ইতনে সুন্দর খুশবু কহাঁ সে আ রহা হ্যায়, বলে বেটা ভগবান নারায়ণ কি চরণ তুলসি কি ইয়ে খুশবু হ্যায়, বলে জিনকি চরণ তুলসি কি ইতনে খুশবু হ্যায় ও কিতনে খুশবু নহীঁ হোঙ্গে, ও কিতনে সুন্দর নহীঁ হোঙ্গে, বলে হ্যাঁ বচ্চে, বলে প্রভু উনকো দর্শন করনে কে লিয়ে যহাঁ সে তুম লে যাও, ব্রহ্মা তো খুশ হো, বলে কিয়ো, বলে তহাঁ ইনকো মেনে জন্ম দিয়া ভক্তি রস কো আস্বাদন করনে কে লিয়ে, তহাঁ ইয়ে ব্রহ্মজ্ঞান বন করকে ভগবান কো নিরাকার নিরাকার কো ধ্যান কর রহে হ্যায়, উনকো পতা হ্যায় তব তক ইয়ে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বোলেঙ্গে জব তক ভগবত দর্শন নহীঁ করতে হ্যায়, इसे भगवत दर्शन करते ही वो अपने आप सारे ब्रह्म ज्ञान को छोड़ देंगे, इसलिए वो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर बोले जाओ दर्शन करो। लेकिन जब उन्होंने आए सात दरवाजा पार होने पर प्रभु का दर्शन होगा, छह दरवाजा तो पार हो गए, जब सप्तम दरवाजा में गए इतने में जय विजय ने अपना छड़ी लेकर रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो, पता नहीं लक्ष्मी नारायण क्या कर रहे हैं, हैं और नंगे धड़े के बिना पूछे अंदर में जा रहे, और रुको यहीं पर, बस जैसे सोए हुए सांप को कोई छेड़ दे, चतुर्सन को इतना क्रोध आए, बल हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को पूछने का जरूरत है, ये वैकुंठ लोग है, वैकुंठ मतलब क्या है, जहाँ पर काम क्रोध डर भय विपत्ति जहाँ पर कुंता धर्म नहीं, इतने में उन्होंने अभिशाप दिया, बोले जाओ तुम लोग राक्षस जन्म में चले जाओ। अभी फिर रोने लगते, इतने में भगवान रोना धोना झगड़ा देख करके बाहर निकले, बोले क्या बात है, बोले प्रभु ऐसे ऐसे बात है, बोले देखो अगर तुम दोनों मेरे भक्त बन करके जाओगे सात जन्मों के बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तो तीन जन्मों के बाद में आओगे, बताओ क्या करना चाहते हो, बोले प्रभु हम चाहते हैं जल्दी जल्दी वापस आ जाए, बोले जाओ तुम दोनों मेरे शत्रु बन करके जाओ, पहला जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण, हाँ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन कर के आए, दूसरे जीवन में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतकुंभ, और चौथा जन्म में बताओ चौथा जन्म में कौन, कौन
कौन बने बोला जगह ही ना था लेकिन महाप्रभु समय उतनी नहीं है इसलिए कहते इसलिए भगवान कृष्ण को जगत में आना पड़ा कितना कारण हो गया कितना हो गया हाँ बारह हो गया हाँ बारह हो गया कहते तेरहवां कारण देखो ये बड़े रहस्य की बात तेरहवां कारण कहते एक स्वरूप सिद्धि और एक वस्तु सिद्धि ये चीज को समझे एक भी होगा स्वरूप सिद्धि और एक होगा वस्तु सिद्धि बोले स्वरूप सिद्धि वस्तु सिद्धि ताकि बोले बोले स्वरूप सिद्धि अर्थ हल আমাদের প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবত ভক্তি করার একটা স্বাভাবিক একটি রস আছে তার মধ্যে দাস্য রস তার মধ্যে সত্য রস তার মধ্যে বাৎসল্য তার মধ্যে মধুর আছে কিন্তু এটা ছুপানা আছে এটা লুকিয়ে আছে যখন ভক্তি করতে 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 যখন আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে যাবে যখন রুচি হবে যখন আসক্তি আসবে না তখন সে অকুল ধারণা করে আসক্তি অবস্থা আসক্তির আগে এই কি আমাদের রস আছে ওই বুঝা যায় তখন অন্তর্ভুক্ত ধারণ করে আর ভাবা অবস্থাতে আর একটু প্রস্তুত হয় আর প্রেম অবস্থাতে সম্পূর্ণরূপে প্রেম অবস্থাতে সেই রস সম্পূর্ণরূপে ভাব অবস্থাতে কলি রূপ ধারণ করে কলি আর যখন প্রেম অবস্থা হয় না তখন সেটা পূর্ণ বিকশিত হয়ে যায় সেই ভাবটা পূর্ণ বিকশিত হয় কিন্তু আমাদের এই শরীরটি প্রেমেতে এত আনন্দ আছে এ শরীরটি ওইটাকে গ্রহণ করার শক্তি নেই এত আনন্দ আছে হ্যাঁ ওই শরীরটি ধারণ করতে পারবে না এই শরীরের মধ্যে এত শক্তি নেই হ্যাঁ শক্তি নেই এই শরীরের মধ্যে তখন ওই দিব্য অপরাকৃত শরীরতে তবে ওই জিনিসটা কেউ ধারণ করতে পারে যখন জীবের স্বরূপ সিদ্ধি হয় স্বরূপ সিদ্ধি মানে ওর কি রস আছে যখন ওই ভাবটা আসে তখন কি হবে শরীরে তখন ছেড়ে যায় ছেড়ে গেলে পরে কি হবে কৃষ্ণের লীলা হল বিপরীয়া তিনি কোথায় না কোথায় জন্ম নিয়েছেন এখন কোথায় তিনি মাখন তৈরি করছেন কোথায় তৃণাবর্তন মারছেন কোথায় তিনি রাসলীলা করছেন কেন অলাত চক্রবর অলাত চক্র মানে একটি আগুন ঘুরাবেন না মনে হয় একটা রাউন্ডের মতো এখন কৃষ্ণ কোথায় তিনি জন্ম নিয়েছেন পর ব্রহ্মাণ্ডে হ্যাঁ এখানে যোগ মায়াটাকে কি করে এখানে ওর যে রস আছে ওই রস যদি সখ্য রস থাকে তাকে সেই সখা রূপে জন্ম দিবে যদি বাৎসল রস থাকে বাৎসল রূপে সিদ্ধার রস হলে গোপী রূপে সেখানে জন্ম দিবে কোথায় যেখানে এখন প্রকট লীলা যেখানে চলছে হ্যাঁ আর যেখানে ওখানে যারা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত আছে এই যে সাদর সিদ্ধ ভক্তরা ওই নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ প্রাপ্ত সঙ্গ প্রাপ্ত হলে ওদের ভাব ধীরে 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 এদের মধ্যে সংক্রামিত হয় সংক্রামিত হলে ওই রকম ভাবে ধীরে 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 কৃষ্ণকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে ভালোবাসার পর যখন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ লীলাতে প্রবেশ করে যখন কৃষ্ণ ওই লীলা সমাপ্ত করে তিনি যখন তার সেই নিত্য গোলক বৃন্দা আরম্ভ যান তখন জীবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই বস্তু স্থিতি মানে সেই ভগবত ধামকে প্রাপ্ত করে তারপর জীবের আর জন্ম আর এই সংসারে রবে না ওর পর্যন্ত আমাদের ভ্রমণ করতে হবে ইসলে ইহাঁ পর কে জিনকি স্বরূপ সিদ্ধি হয়ে উনকি বস্তু সিদ্ধি দিলাকে কে লিয়ে ভগবান জগত মে অবতীর্ণ হতে ইয়ে কবি কর্ণপুর ইয়ে সব কারণ কো বতা দে কিতনা কারণ হো গয়া কিতনা হো গয়া কল আপ সে মে কল সুনুগা মে দেখুগা কিসকো কিসকো ইয়াদ কাল কে আপ সুনুগা দেখো এক 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 বিষয় বলি রে কম সে এক এক তো বলতে পারে নাকি না বলে বৃন্দাবন বিহারী লাল কী জয় জয় শ্রী রাধে জয় জয় শ্রী রাধে জয় জয় শ্রী রাধে দেখো আজ কে কাল কতকলে হম লোক শ্রবণ কর রহে থে কৃষ্ণ মথুরা মে কেসে প্রকট হুয়ে আজ কিছু নয়া বাত বতাউঙ্গা ই চিজ আচ্ছে তরে সে সুনো কিন্তু হম লোক সব গৌরী বৈষ্ণব হম লোক সব গৌরী মঠ গে হো इसलिए ये तत्व को हमें जाननी चाहिए अगर कोई डायरेक्ट अगर कोई भागवत पढ़ेगा तो अगर उनको पूछा जाए कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए आप लोग बताओ कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए बोलो कौन बोलेगा मथुरा में और कहा आप लोग बताओ कहाँ पर हाँ यही चक्कर है इसलिए आपको आगे आगे हाँ যদি মহাপ্রভু ধারাতে যদি কেউ না আসে না যদি কোন বৈষ্ণবদের কাছে কিছু কথা না আসে ওই কথা বলতে
या चार कुछ जानना है तो सबाई बोलवे कृष्ण मथुरा जन्म होचे किंतु कृष्ण मथुरा के जन्म दिन मेन कृष्ण दिन मथुरा के जन्म दिन मेन ভালো করে শুনুন কাল কে আমি জি হ্যাঁ ভালো করে কা শুনে নিন কারণ আপনারা সবাই গৌড়িয়া বেসনা গৌড়িয়া মধ্যে এসেছে এই সিদ্ধান্ত জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক আছে আজকে ভালো আমি শুনে নি যত দূর আপনি বৈষ্ণবদের কাছ থেকে শুনেছি তত দূর বলে দেওয়ার চেষ্টা করুন ঠিক আছে হিন্দিতে বলবো হিন্দি বলো বাংলায় না আমাকে বলতে কষ্ট লাগে এই জন্য হিন্দিতে বলো দেখো এক হে প্রকট হে और एक जन्म है ये चीज को दोनों को अच्छा तरह समझो एक प्रकट है और एक जन्म है कहते प्रकट किसको कहते हैं और जन्म किसको कहते हैं प्रकट कहते हैं कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं हुए कृष्ण वहां पर प्रकट हुए जन्म से पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और उन्होंने बताया देखो अभी मैं एक बालक बन जाऊंगा और मेरे को यहाँ से लेकर के तुम छोड़कर गोकुल में आ जाना है वहां से एक बेटी को ले आना इसको कहते प्रकट है ऐसे तो गर्भ में बच्चा था इतने में कृष्ण जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हठात उन्होंने देखा गर्भ खाली और चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं फिर वह चतुर्भुज से भगवान एक छोटा बालक बने हैं इसको कहते प्रकट है जन्म किसको कहते हैं स्वाभाविक रूप में एक माँ की पेट से जब एक बच्चा जन्म लेता है अब जब जन्म लेता है अब जब माता है बच्चे को जन्म दिए होंगे देखना अपने नाड़ी काटते नाड़ी कटते ही नहीं मैया को पेट में वो नाड़ी जुड़ी हुई रहती है वो नाड़ी को काटी जाती है इसको कहते हैं जन्म जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा बुझते बच्चन को स्वाभाविक रूप में जो बच्चे जन्म हुए इसलिए कोई भी ब्रजवासी ये बात को कभी नहीं बोलेगा कृष्ण मथुरा में जन्म हुए बोले क्यों आप लोगों को पता है बच्चा जन्म लेने पर जो बड़ी बूढ़ी माता है वो नाड़ी काटती कहते ब्रजवासी बोलेगा अपना आंखों से हमने देखा मैया ने बच्चे को जन्म दिया और अपना हाथों से हमने नाड़ी काटी आप कह रहे हो कृष्ण मथुरा में जन्म हुए नहीं कृष्ण तो हमारे नंदलाला श्री ये जसोदा दुलाला कौन है कि कृष्ण है हमने आंखों से देखा और एक चीज इसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं और एक चीज ये वो नाड़ी कटने से पहले जो दान है ना वो दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहते हैं जब नंद बाबा को पता चला मैया जसोदा ने लाला को जन्म दियो रे तब नंद बाबा आए अभी नाड़ी कटने से पहले उन्होंने संकल्प लिया ब्राह्मणों को मैं 20,000 गैया में दान दूंगा हाँ दान दूंगा और 7 तीन का पर्वत में दान दूंगा उन्होंने संकल्प किया उसको बाद में जाकर के नाड़ी कटी गई और नाड़ी बच्चे को साथ में माता के गर्भ में ये जुड़ी हुई रहती है नाड़ी कटी गई इसलिए आप बोलोगे भैया इस बात कहाँ से मिला बोले भागवत में देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं देखो भागवत में कहाँ कहाँ पर की बात मैं बता रहा हूँ जिस समय गोपी गीत ब्रज गोपियों ने गोपी गीत को गाई है तो गोपी गीत का जो पहला गीत है वो क्या कहते हैं बोले जयती जन्मना प्रजा जब हम कृष्ण अंतर ध्यान होले परे
जब हमें जमुना किनारे पर गोपी गीत गाई, गोपी गीत प्रथम श्लोक हलो बोले हे कृष्ण जब थे तुम्हें ब्रज जन्म लिए तब थे ब्रज जय जय का केवल तुम्हारा गोपीराज दुखिया समाई आनंद पे आ गोपीराज बोल से जयति ते दिकम जन्मना ब्रज तुम्हारा जन्म बताए हो चे वृंदावन ब्रज में जन्म हो चे ब्रह्मा जीवन ब्रह्म स्तुति मध्य बोल से दिनियो बोल से पशुपांग जाय कृष्ण दिनी के पशुप माने पशु के जिन पालन करे के श्री नंद बाबा ता थे के जिन अंग थे के जिन प्रकट हो चन दिनी के और श्री कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र बोले आर दिखाया छे बोले जखन श्री गर्गाचार्य कृष्ण ने नाम करन कर गर्गाचार्य निजे ही बोल छे बोले नंद बाबा बोले कोची बा कोच कोची ती जात तबात कज बोले नंद बाबा तुम्हारी ये छले बिना हैं ये छले भी एटा हलो तुम्हार छले का किंतु कखन कखन ये वसुदेवरो छले में जन्म लिए किंतु ये वसुदेवरो छले नहीं ये छले है तुम्हार छले हैं जब माने श्री सुखदेव गोस्वामी तिनी कृष्ण जन्म उत्सव के वर्णना करछे बोले नंदस्तु आत्मद जाता वादमान बोले तिनी के बोले नंदस्तु आत्म नंद बाबा तिनी आत्मा थे के दिन जन्म लिए चन बोले केवल कृष्ण का नहीं इतने भागवत बहु जगह कृष्ण जो ब्रज जन्म लिए चन बहु जगह से कहने प्रमाण कर चे कृष्ण की तक लिए चन एक ना हमारा सुनो वो ताली के तो सुनो जी कृष्ण मथुरा के दिखाई प्रकट हो लो आज ये सुनो वो कृष्ण की तक गोकुल के जन्म लिए हमारे कवि कर्णपुर श्री जीव गोस्वामी येरा सब सुंदर भावे वर्णना कर चे ठीक है चे बोले श्री नंद बाबा जो पिताजी उनार नाम हलो छो परजन बाबा उनार छो पांच टी संतान उपानंद सुनंद नंद अभिनंद आनंद एमरे पांच टी छले छो आगे नियम छो 50 वर्ष परे हारी तो बाड़ी ते केउ थाकतो हां बाड़ी ते केउ थाकतो ना ए जने चार टी आश्रम रे कथा बोला छी 25 वर्ष हलो प्रथमे सबाई जब हम अपनी स्कूल कॉलेज बढ़ते जाए सबाई आगे गुरु गुरु जत पढ़ा जने 25 वर्ष गुरु आश्रम के थे समस्त गीता भागवत वेद उपनिषद का अध्ययन करते जब मैं 25 वर्ष पर गुरुदेव जिज्ञास करते बोलो ये बार तुम की करो भगवान ने भजन करबे ना बाड़ी के बीए करबे एकन जिने बुझते बारे भगवान ए मानुष जन्म 84 लाख जन्म कर दिए छे ए मानव शरीर बारंबार भगवान दिए ना ये मानव शरीर नहीं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जिने बुझते बात है कि जीवन विषय भोगर जन नाय ये जीवन तो केवल भगवत प्राप्ति जन ने ते तारा बोलते ने बोलते आमी आश्रम थे के तुम्हार सेवा करते करते संसार के उद्धार हो जा किंतु निजे काम के दिनी कंट्रोल करते बारे में बोल से गुरुदेव हमारे बीए करार इच्छा हो आमी ऐ रकम भावे ब्रह्मचर्य पालन करते बारे में ना गुरुदेव बोलते जा बाड़ते ये निजर वर्ण आश्रम थे के बीए कर ले लव मैरिज कर ले ना हैं लव मैरिज कर ले ना निजर वर्ण आश्रम देखे जेखाने बीए दिवे सेखाने बीए कर ले आर दू जना पति पत्नी मिले गोपी दर भजन कर ले विषय भोग जने की विवाह नहीं एजने बोला है सह धर्मिनी हैं जिने पति के धर्म ते सहाय कर ले एजने कत वर्ष पर ते बोले 50 वर्ष ता पर मान एक जन बोले 50 उर्धे बनो प्रजे 50 प्रण बिंदा बन जा देखो उन सब आम तो एका बन बा बन चौ बन ये बन बन सब तो माने की बिंदा बन जा अरे बाल को थका चले गए ना ये बार बिंदा बन के गोविंदर भजन कर हैं एक जने जो बन 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 सब दास से हैं एक जने बन बन एक जने के बोले बान प्रस्त हैं तापरे बान प्रस्त जब भजन करते गए ना अनसर 61 62 मतलब क्या फिर तो सठिया बन जाओ फिर तुमसे कुछ नहीं होने वाला सठिया बन जाओ ऊपर भजन भजन कुछ नहीं होगा तुम्हारी इसलिए सठिया सठिया बोलते बात है तो सठिया हो जाए यार भजन भजन हो जाए तुम्हारा हाँ बल इधर है उधार होते पारे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल से बोले सठ सो धरे सत स गत पाए कितने बच्चे एक सठ देरे कल्याण होते पारे यदि जीवन यदि साधु संग को हम पेट पाए ना
એતરો કલ્યાણ હોવાર સંભવ આ છે કી કરે કલ્યાણ આવે જતી બાયચાસ હરિ ગુરુ વૈષ્ણવ જતિ સંગ જતી હોઈ જાય તારા ભગવત પ્રાપ્તિ કરતે પાય પુસ્તવાર છે તો હા મને કરું સહી રકમ કોનો સુજગ નહીં વૃંદાવન જાઓ બાંગ્લા કી બોલે શોર્ટ ઇન્ડિંગ બોલે શોર્ટ ઇન્ડિંગ મને તમાર ઘર આવે પીછું આવે ના તમાર ઘર આવે પીછું આવે ના સત્યા હા જલ્દી વૃંદાવન જવાર કોઈ સુવિધા નહીં અરે કમ સે કમ ઘર તો બસે ભજન કરો ના દિન ભર ટીવી ખોલે બસે આ સારા દુનિયા ના આર્થિક ગતિ કે દિયે જીવન નષ્ટ કરી દીધું એજને સમય થાકતે કી કરો કમ સે કમ બાઈતે બસે હરિનામ કરો ભજન કરો સદગુરુ આશ્રય ગ્રહણ કરે માલા તિલક પંટી દે ગોવિંદે ભક્તિ કર કમ સે બાઈતે તો ભજન કરો એકા તો કરતે પારો ઠીક છે ના એજને એખન નંદ બાબા તિની બોલશે તમ તિની સમસ્ત છેલે કરીને દેખી છે બોલે દેખો અમાર વયસ 50 વર્ષ હોઈ ગયે છે તમારો બડો હોઈ ગયે છે તમારે બીએ હોઈ ગયે છે એવાર અમારા દુર્જણ પતિ પત્ની વાહન પ્રસ્થિત દેતા છેલરા બોલે ઠીક છે પિતાજી આપની વાહન પ્રસ્થિત જા ઇને બોલે ને અમાર જે સબત કે બડો છોટા કે આમી રાજ સિંહાસને બસી આમી ભજન કરતો દેતા કે તું જે બડો છેલતી બોલે બોલે બાબા જત્ય ભી આમી બડો છેલે કે તું રાજા હોવાર જોગ્ય અમાર પતે નહીં જે મજલા છેલે જે નંદ તાર મધ્ય સર્વગુણ સંપન્ન તિની તાકે આપની રાજ સિંહાસને બસી ભજન કરતી જા સમસ્ત પ્રજારા ઠીક બોલશે એ નંદઈ ઉપજુક્ત રાજા અંગાર ઓના કે તેની રાજ સિંહાસન બસે તેની ભજન કરતે જખન જાચે તમને છેલરા બોલશે બાબા આમાં દરેક જો પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન રે આપને ઉત્તર દીજા બોલો બોલો કી કોણ કે જાવ બોલે આપને બોલો એ જીવન જે ભગવાન આમાં દરે દીએ છે એ જીવન લક્ષ્ય કા એ જીવન માનવ શરીર લક્ષ્ય થી કે તે આમાં દરે બોલા હે માનવ જન્મ લક્ષ્ય પર ભાલે કે લેખા પડા શીખો ભલે કે બીએ ટીએ સંતાન પેદા કરો બાળી ઘર બનાવો આ છેલે બિરદે બડો કરી ભરી જા કે તે તીની બોલ છે જીવન રે લક્ષ્ય તો બોલ ભગવત પ્રેમ જેથી એ જીવન પ્રાપ્ત કરે જીવને જેથી સહી ભગવત પ્રેમ કે કે પ્રાપ્ત કરતે કરે છે મને કરીવે તમારે માનવ શરીર સાર્થક બતાવો ઉના દે દ્વિતીય પ્રશ્ન હોલો બોલે બાબા જીવને અમાદે કે રક્ષા કરાવતે અમાદે કે રક્ષા કરીવે એટલે કેવળ સાધુ ગુરુ વૈષ્ણવ રાય અમાદે જીવને તરાય રક્ષા કરતે બાર રક્ષા મને કે અમાદે જીવ પ્રતીત રાસ્તા દેખી સે કોબી તેરે ભજન દીગે અમાદે કે નહી જાવે એટલે સાધુ ગુરુ વૈષ્ણવ રાય અમાદે કે નહી જાવે બોલે બાબા પ્રત્યેક જીવ સંસાર ભય પાય કરે અમાર સવાય ભય છેલે ના ચલી જાય ટાકા પૈસા ના ચલી જાય બિઝનેસ ફેલ ના હો જાય બોલે ભય કે ના અમારા કરી બોલે એ પ્રારબ્ધ એ પૂર્વ જન્મ કર્મ ફળ અમારા સવાય ભોગ છે પૂર્વ જન્મ કર્મ એસે વિભિન્ન પ્રકાર દુઃખ કષ્ટ થી એ રકમ અમે સગાને પાંચ થી છ તરફ પ્રશ્ન કરે છે તાદે પ્રશ્ન ઉત્તર થી તરફ ચલી ગયા છે જેમ ચલી ગયા તે ભજન કરતે એક અમે ચાર થી છેલે તરીકે સંતાન કિંતુ નંદ બાબા કોણ સંતાન નહીં તેની ખૂબ દુઃખી બાળકે છેલે મહિને ભવિષ્ય પર રાજા કે હવે મા જસમતી ધીરે 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 વયસ ચલી જાય છે સંતાન દ્વાર વયસ થી ધીરે 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 નષ્ટ થઈ જાય છે એ જને નંદ બાબા એટલે સંતાન યોજને તેની અનેક ચેષ્ટા કરી લે દાન પુણ્ય યજ્ઞ તપસ્યા તેની અનેક ચુકાઈ લે ત્યાં બાળકે એક ગોપાલ ને જન્મ મળ્યો કિંતુ પીછું તે બાળકે આ ગોપાલ ને જન્મ એના એક તેની કી હોય છે બ્રહ્મ મુહૂર્ત સમયે નંદ જશોદા તારા દુજણ ખૂબ એટલી સુંદર સ્વપ્ન દેખે છે આ રીતે બ્રહ્મ મુહૂર્તે કોણ સ્વપ્ન દેખા હોય ના ઓ સ્વપ્ન ટી પ્રાય એકદમ શક્તિ હોય બોલે સ્વપ્ન ટી કી બોલે શ્યામ ચંચલ ચારુ દેહ નયન બાલ સ્તવાંત સ્થલે પયોધાર સ્ફુટ મસો ક્રીડા મયામ લોકતે પ્રહિતિ બોલો लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखना उस स्वप्न में सही होता है इतने में नंद बाबा की भीत खुल गई बोले नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे
मैंने एक बड़ा सुंदर प्यारा मैंने स्वप्न देखा है, जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखा, पहले आप बताओ अपना स्वप्न देखा। नंदा बाबा बोले मैंने देखा तेरी गोद में सुंदर श्याम रंग का एक बालक है, बालक को तुम स्तन पान करा रही हो, स्तन पान कराते समय दोनों तरफ से वो दूध झटते 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 उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं, ऐसे लगा सचमुच से तेरे गोद में सुंदर लाला है। जसोदा बोलती है मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बता। बोले मैंने भी स्वप्न देखा है, सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कपड़ा खींच करके बोले भैया मेरे को गोद में ले ले, भैया मेरे को दूध पिला ले। मेरे को लगा नहीं, स्वप्न लगा सचमुच से कोई एक बालक है। और उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भ धारण कर, पूरा ब्रज में प्रचार हो गया, हल्ला हो गया, नंद के लाला होने वाला है, नंद के लाला होने वाले। और जितने गोपियां थी ना, वो छह महीना पहले 84 गज की लहंगा बना करके बड़ा सुंदर चुंदरी बना करके रखे, बोले नंद के लाला होगा पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे वो भी सुंदर बगल बंदी धोती और पगड़ी बना करके रखे, बोले हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। हैं अभी नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थे सुनंदा। अभी घर की काम तो कौन करेगा, वो सुनंदा 6 महीना पहले से आकर बैठ गई। बोले क्यों, बोले नंद के लाला होगा ना, है नंद के जब लाला होगा फिर भैया से हमें दहेज मिलेगा, भैया से हमें दहेज मिलेगा, दान पुण्य मिलेगा। और 6 महीना पहले से आकर बैठ गई है, कब लाला होगा और भैया मेरे को सोना चांदी हमें दान दक्षिणा में देंगे। अभी पहले जो बड़े बूढ़ी हुआ करती थी, बड़े बूढ़ी होती थी, वो कुछ लक्षण से उनको पता चलता था लाला होगा ना लाली होगा। एक बड़ी बूढ़ी गोपी ने बोली, बोले मैया जसोदा लगता है तेरे गर्भ में एक लाला होने वाला है, बेटा होगा। बोले पता कैसे चला, बोले तुम्हारा जो मोट है ना वो पीला पीला दिख रहा है। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली, बोले क्यों, तुमने कुआरी पड़ में जुर्मा केले तो नहीं खा ली थी। बोले क्यों, बोले लगता है तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे थे, 2, कृष्ण और एक जोग माया, कृष्ण एक जोग माया, 2 उनके गर्भ में बच्चे थे। अभी गर्भ में बच्चे रहते समय ना फिर देखना माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं, मिर्च मसाला झाल टक ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। मैया जसोदा बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है, तो उनके लिए बड़े सुंदर खीर बना करके ठाकुर उसको भोग लगा करके फिर उन्होंने मैया को खीर खिलाई। और देखो माताएं सुनो, एक होता है गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार का मतलब होता नहीं गर्भ में बच्चे रहते हुए उल्टा पुल्टा पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। भगवान की कोई छवि को देखो, ठाकुर जी की कथा सुनो, गीता भागवत करो, देखना वो बच्चा बड़ा संस्कारी बनकर आएगा। अभी मैया जसोदा को ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर तस्वीरों को दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में अच्छी संस्कार आए, गर्भ में जो बच्चे को ऊपर अच्छे संस्कार आए, भूषण चंद अच्छे संस्कार आने चाहिए। अभी ऐसे लग रहा है आज रात को ही किस लाला का जन्म हो जाएगा। अभी गांव में 8 बजे तक जगह रहते हैं, उसके बाद में सो जाते हैं। बोले एक काम करो, एक मजीरा ढोल की कुछ माताओं को दे दो और ड्यूट दे दो, 2 घंटा 2 घंटा बाद में ये थोड़ी थोड़ी कीर्तन करते रहे। अभी समझे सब कीर्तन कर रहे थे, प्रभु जी को उठाई लग गई, कहाँ गए बच्चे, हरे कृष्णा सुदामा हरे कृष्णा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और यहाँ तो है क्या नाम है, दुर्गा पूजा आने वाली है, कब है,
अच्छा, तो दुर्गा पूजा को देख करके मुझे घटना याद आ गया। वो ऐसा है, एक सेठ जी थे, वो हर नवरात्रि को अपने घर में शक्ति पाठ कराते थे पंडितों को देख करके। तो चंडी पाठ कराते थे तो पंडित से कराते थे। अब पंडित जी कहा कि सेठ जी हमारा पूजा करते करते 10 साल हो गए, तो कुछ नगद ना रहे, यानी कि दक्षिणा में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। तो सेठ जी बोले, देखो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तुम इसी दक्षिणा में आना चाहो आओ, नहीं तो मैं खुद कर लूंगा चंडी पाठ। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, आप ही खुद कर लेना। अब दूसरे साल से जो है पंडित जी तो छोड़ दिए, खुद करने लगे चंडी पाठ। तो चंडी पाठ करने लगे, एक साल किया तो एक पत्नी मर गई, फिर दूसरे साल किया दूसरी पत्नी मर गई, फिर तीसरे साल किया चंडी पाठ, सेठ जी खुद तीसरी पत्नी मर गई। अब सेठ जी बड़ा दुखी हो गया, क्या हुआ? फिर उसी पंडित के पास गए, थोड़ा उपाय बताया, क्या हुआ पता नहीं, हर साल पत्नी मर जाती है, एक साल ही करता हूं फिर पत्नी मर जाती है। अब पंडित जी ने कहा कि आप खुद पाठ करते हो चंडी पाठ? बोले हाँ, बिल्कुल शुद्ध ढंग से करता हूं। तो पंडित जी ने कहा चलो मेरे सामने तुम पाठ करो। तो पंडित जी के सामने पाठ करने लगे चंडी पाठ, तो उसमें लिखा है चंडी पाठ चंडी में कि भैरवी भारिया रक्षति, लेकिन पिंटिक मिस्टेक हो जाता है ना कई बार ग्रंथों में किताबों में, एक अक्षर की जगह दूसरे अक्षर आ जाते हैं, आते कि नहीं? तो उसमें लिखा है कि भैरवी भार्या रक्षति, लेकिन वहां मिस्टेक होने के कारण र की जगह भ हो गया, र का जगह भ हो गया। तो वहां लिखा है कि भैरवी भार्या भक्षति, समझ में आए कि नहीं? भैरवी भार्या भक्षति। अब सेठ जी यही पाठ करने लगे, इसीलिए तो लोग पंडित के पास जाते हैं कि शुद्धिकरण हो जाए ढंग से। तो पंडित ऐसे नहीं बनते, उनको भी 8 साल पढ़ना पड़ता है संस्कृत स्कूल में, तब जाके वो शुद्ध बन सकते। तो कभी कभार मेरे कहने का मतलब ये है कि गलत उच्चारण होने से फल भी गलत मिलता है, ऐसा इसीलिए पंडित की जरूरत है। तो आइए बोल वृंदावन बिहारी नाथ की जय, जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने को, दान दाय अनुपात पात पर श्री राधे राधे हो। सभी लोग कहते हैं कि भगवान नैनों में जब समा जाते हैं। आप लोग बांके बिहारी के मंदिर कौन कौन गए, हाथ उठा के बताए? बस 10-20 आदमी गए बांके बिहारी। तो बांके बिहारी जो लोग गए हैं वहां देखे होंगे कि 2 मिनट अंतर अंतर पर्दा लगता है, लगता है कि नहीं? क्यों लगता है, है? अच्छा, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बांके बिहारी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है,
सुंदरम की बिना सुंदरम, तो उनका रूप को देख करके नजर ना लग जाए, इसलिए दोनों ही अंदर अंदर पर्दा लग जाता है। तो आइए एक बांके बिहार का भजन हम सुनाएंगे, आप सभी लोग ताली बजाते हुए नृत्य करते हुए इस भजन का आनंद लेना। हो मोटे मोटे नैनन के दो, और मीठे मीठे नैनन के प्यारी प्यारी मूरत के अजय। इस भजन में आप लोगों को सिर्फ बोलना है ओए होए होए, क्या बोलना है ओए हो, हाय हाय मत करना, हाय हाय बहुत खराब चीज है, क्या बोलना है ओए होए होए। इस भजन में उनका श्रृंगार का वर्णन है, क्या क्या बलवन लगाते हैं, मोटी मोटी काजल लगाते हैं, क्या क्या है इस भजन में वर्णन है। हो बाबा बिहारे ही तकरारे मोटे मोटे तेरे हैं, हाय हाय जनता जनता Yeah.
এই খবরটা প্রথম যদি নন্দ বাবাকে দেই না
আমি নবলাল হার পাবো, এখানে নন্দবাবা কোথায় আছে খোঁজো, এখানে আমি হিন্দি বলবো। আমি সোচ রহি হ্যাঁ আমি আগর নন্দবাবা কো পতাই নেই লালা হো হুয়া কি নেই, আগর ইয়ে খবর পহলে ভাইয়া কো দেনা মেরে কো নবলাল কা হার মিলেগা। লেকিন নন্দবাবা হে কাহাঁ পর দেখো, ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে দেখা ব্রহ্মাণ্ড ঘাট মে মালা লেকে থে জপ কর গে থে, হ্যাঁ সে বড়ে গুরুওঁ কো বীচ মে মালা লেকে থে জপ কর গে থে। মালা জপ নেই হো রা থা, মালা মে ক্যা জপ কর গে থে, ঘর পে লালা কব হোগা ছোরা কব হোগা, ঘর মে গোপাল কব হোগা গোপাল কব হোগা, ইয়েই জপ কর গে থে। ইতনে মে সোনাদা নে যা কর কো বোল গিয়া ভাইয়া কমাল হে গে, মতলব আশ্চর্য হো গিয়া হে। নন্দ বাবা তো লাঠি পড়ছে ছলাং লগা দিয়ে, বলে বহিন কহা ভয়ো হে, বলে পহলে বতাও মুঝে মিলা না, মেরে কো ক্যা মিলেগা পহলে বতাও ফির মে বতাউঙ্গি। বলে যা তেরে কো যমুনা কিনারে মে জিতনে জমিন জগা পে না তেরে নাম পর সারি জমিন লিখা দুঙ্গা, লেকিন বতাও তো কহা ভয়ো হে ক্যা হুয়া পহলে তো বতাও। বলে ভাইয়া বাত এত বড় কথা এত বড় বাত হে, জিসকো সামনে ও জমিন ভি টুচ নেই ওর ক্যা মিলেগা বতাও। বলে লে নবলা কি হার তু লে, লেকিন বতা তো সহি। বলে ভাইয়া বাত ইতনে বড়ি হে জিসকো সামনে নবলা কি হার ভি কুচ নেই, বতাও ওর ক্যা দোগে। বলে লে কি ট্রেজারি কা জিতনে চাবি কাটি তু লে, জো খোল কর কে লেনে কা ইচ্ছা সো লে লেনা, হীরে জওয়াহরাত না আসর দিয়া সোনা চাঁদি জো লেনা তু লে লেনা, লেকিন বতাও তো সহি কাহাঁ ভয়ো হে, হ্যাঁ ক্যা হুয়া ইয়ে তো বতাও। বলে ভাইয়া তেরে ঘর মে লালা ভয়ো হে, তেরে ঘর মে গোপাল জন্ম লিয়া হে। বলে শ্রী নন্দ কে লালা জয় গাতা আমি দেব, ভগবান জন্ম নিলে জয় দিতে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, আরে বার বলে নন্দ কে লালা কি আমি আমি লগ রহা হ্যাঁ জেসে লালা ভয়ো হে। আমি নন্দ বাবা তো ওহীঁ সে দৌড় লগা হ্যাঁ ওহীঁ সে দৌড়ে ওহাঁ সে, কিউকি উনহোনে কিতনে তপস্যা কিতনে যজ্ঞ কিতনে দান উনহোনে কিয়া, ঘর মে এক লালা কি জন্ম হো যায়। আপ লোগ নন্দগাঁও গয়ে হ্যাঁ কোন কোন গয়ে, ওহাঁ পর এক আশীশ্বর মহাদেব, এ আশীশ্বর মহাদেব কো নন্দ বাবা কা পিতা জো পরিজন বাবা নে উপাসনা কি আর নন্দ বাবা ভি উনকো পূজা কি থি। বলে মেরে ঘর মে এক লালা কি জন্ম হো যায়, আকাশবাণী হুই। বলে হে পরিজন বাবা নন্দ বাবা তোমার ঘর মে এই সে এক বেটা জন্ম লেনে বালা হে, জিস বেটা সারা দুনিয়া মে তেরে নাম কো উজ্জ্বলা উজ্জ্বলা করেগা, জিসকি বজে সে সারা দুনিয়া মে তেরা যশ সারা দুনিয়া মে যায়েগা, ইসলিয়ে উনকা নাম আশীষ, আশীষ মানে আশীর্বাদ হ্যাঁ, ইসলিয়ে ইনকে আশীর্বাদ শ্রী কৃষ্ণ গোকুল মে জন্ম হুয়ে। অভি নন্দ বাবা তো ওহীঁ সে দৌড়ে আর জব পহলা বার উনহোনে গোপাল কা মুখ দর্শন কিয়া ইতনে প্রসন্ন হো গয়ে, ইতনে প্রসন্ন হুয়ে। বলে ব্রাহ্মণ কো মে 20 লাখ গয়া দান দুঙ্গা আর 7 তিল কা পর্বত বনা করকে মেনে সাধু সন্তো কো ব্রাহ্মণ কো দান দুঙ্গা, উনহোনে হাত মে পানি লে কর কে উনহোনে সংকল্প হয়ে কিয়া চিত কো হ্যাঁ। ফির উনহোনে পহলে সাধুওঁ কো বুলাও ব্রাহ্মণ লোকোঁ কো বুলাও, ইনকি আশীর্বাদ সে ঘর মে ये लाला भयो है, लाला हुआ है, साधु वैष्णव आए ब्राह्मण आशीर्वाद दिए, स्वस्ति वाचन पढ़ करके आशीर्वाद दिए और उन्होंने एक नाई को नापित को भेज दिया। बोले जाओ ब्रज मंडल में ठिंडरा पिटवा दो, बोलो नंद घर में लाला हुआ है, सबके सब बधाई देने के लिए आए। और जितने गोपियाँ उन लोग जैसे जितने गोपियाँ थी 16 श्रृंगार और द्वादश आभरण पहन करके और 3-4 मटकियों में एक में दही एक में दूध एक में मिश्री और एक में हैं एक में घी लेकर के बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए वो बधाई देने के लिए आ रही, बधाई गुजरात में तो स्वागत स्वागत करने के लिए आ रही है। और वो कान में कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल बड़ी जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों, मानव कुंडल ये बता रहा था तुम लोग पहुँचने से पहले हमें छोड़ दो, पहले हम जा करके श्री नंदलाला को स्वागत करें। चोटी में सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार कर पड़ी थी और एक एक फूल गिरते गिरते उनका चरण में गिर रहा था। बोले क्यों, बोले जो लोग नंद के लाला को स्वागत करने जा रही है इनकी चरण की पूजा करनी चाहिए।
अगर हम एक चोटी में रहेंगे हमें क्या करेंगे, फिर जमुना में बाहर रहेंगे। अगर ये ब्रज राज्य में मिली जाएंगे, कृष्ण जब थोड़े से बड़े होकर ठुमुक ठुमुक करके गली गलियों में कृष्ण जब नृत्य करके चलेगा, उनका चरण का स्पर्श हमें मिलेगा है। अभी जितने गोपियां वो नंद मैया जशोदा को बधाई दे रही, देखो ध्यान से सुनो, जितने मैया जशोदा के दल है, तुम लोग मैया जशोदा के दल है, जितने गोपियां मैया जशोदा को बधाई दे रही थी, मैं बोलूंगा मैया जशोदा बधाई हो, और जितनी सब माताएं बैठे हैं ना, तुम लोग को बोलना बधाई हो बधाई हो। बुद्ध बात सुन तो समस्त गोपिया माँ जशोदा के बधाई दीजिए, स्वागत कर सुनो, हम ही बोलूंगा बधाई हो, अपना बोलवे बधाई हो बधाई हो, ठीक है जोर से बोलिए, बोले मैया जशोदा बधाई हो। आनंद नहीं है ऐसे लग रहा था कि आप व्रत किए हो, अगर ये पढ़ाई झगड़ा ना वही पढ़ाई हाँ बुझा जाए, ये पढ़ाई झगड़ा उसे ऐसे आज बार जोर करके बोले मैया जशोदा बधाई हो। मैया जशोदा बोले बधाई हो ब्रज की गोपियां, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को गोपाल मिले हैं, ये लाला मेरा नहीं, ये लाला तुम लोगों का लाला है, और जितने गोपियां थी ना सबके सब लाला को आशीर्वाद दे रही थी। मैं क्या बोल रही थी, बोले जुग जुग जियोरी जशोदा मैया तेरो लगना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो लगना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो लगना, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो लगना, तेरो लगना जोर कर अभी जितने गोप लोग थे नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, मैं बोलूंगा बधाई हो, आप बोलना बधाई हो बधाई, ठीक है बोले नंद बाबा को, नंद बाबा बधाई हो बधाई हो। अरे गड़बड़ी हो गई ना, ये बाबा सवाई के अरे ये लोग खराब लोग दादा करना दादा कर चिंता नहीं, क्योंकि बोले गोपीरा समझन जीते हाँ गोपीरा समझ राधा रानी पके जीते धन्यवाद सर, कौन चिंता कर रहा है बता रहे हैं। अभी अभी इसने जितने ब्रजवासी थे गोप लोग थे बोले बधाई हो है बधाई हो और जितने ब्रजवासी कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे थे, बेटा तो जुग जुग तक जीते रहो हाँ, खूब फलते फूलते रहो और बड़ा बनकर के देश का राज्य को शासन तू करो, इसलिए सबके सब उनको बधाई दे रहे थे। लेकिन अभी सभी लोग आ गए, अभी दो लोग नहीं आए, एक वृषभ महाराज और मैया कृतिका, ये कौन है, कृष्ण के पिता और कृष्ण की माता है। अगर ये दोनों आ जाए ना है, ये दोनों आ जाए राधा रानी के पिता माता है हाँ, कृतिका और श्री वृषभ महाराज, अभी देखते देखते ये दोनों ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही अभी नंद उत्सव प्रारंभ होगा, वहां पर एक होता है श्री मरिया कृतिका, इतनी सुंदर सिंगार करके आई थी, दूध दही हाँ उसमें मक्खन, इतने एक गोप ने किया क्या लठिया लेकर ना वो मट्टी को मारते मट्टी फूट गया, और कृतिका मैया दूध दही से पूरा का पूरा स्नान कर लिया है, स्नान कर लिया तो फिर नंद महोत्सव प्रारंभ हो गया।
देखो बंगाल में आ रहा, उधर एक चीज है हल्दी में घी और उसमें दूध दही मिला करके, हल्दी दही और घी मिला करके एक दूसरों को ऊपर में लगाते हैं, ये मंगल वाची बुझे तो अपना बुझे ना बुझी वाची एखने दही मध्य घी और हल्दी मिलिए जेटा मिलिए ना समय गायर मध्य लगाए एक मंगल वाची एक, इसलिए सब दूसरों को ऊपर में लगा रहे थे और इतने दही लाए थे ना वहां पर कीचड़ कीचड़ हो गया, सभी के एक दूसरों को ऊपर लगा रहे थे और सबके सब प्यार फिसल फिसल कर गिर रहे थे और सबके सब क्या गा रहे थे, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, নন্দ বাবা তিনি কমরের মধ্যে একটি কাপড়কে তিনি বেঁধে রেখেছেন, এখানে কি করছে একদিকে নন্দ গ্রামের গোপরা একদিকে বর্ষানা গোপরা দুই দিকে দিকে ধরেছে, এইরকম মনে হচ্ছে যেন এখানে একটা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ এখানে দুই দিকে কারা ধরে আছে ব্রজবাসী, এরা হলো বিলবু, কালকে যখন সমুদ্র মন্থন হয়েছিল সমুদ্র মন্থনে কি প্রথমে কি বেরিয়েছিল বীজ, যেটাকে শিব ঠাকুর তিনি পান করছে, বলে এখানে সর্বপ্রথম কি বেরিয়েছে, বলে নন্দস্তু আত্মা যাতাহাত মাননা, এখানে সর্বপ্রথম কে জন্ম নিয়েছে, বলে রস স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ তিনি কৃষ্ণ স্বয়ং প্রথমে প্রকট হয়েছে, আনন্দ তন্দ্র তিনি প্রকট হয়েছে, সমুদ্র মধ্যে 14টি রত্ন বেরিয়েছিল, 14টি রত্ন শ্রী সুখদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন, যখন গোপাল জন্ম নিয়েছে নন্দ বাবা তিনি এত সোনা চাঁদি হীরা মুক্তা তিনি দান দিয়েছেন, ব্রাহ্মণরা না কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যেতে পারছে না, হ্যাঁ ওই পোটলের কোণে থেকে না হীরা মুক্তা সোনা চাঁদি সবকে সব বিখিরি বিখিরি পড়ে, মানে ওই কোণে থেকে সব বেরিয়ে বেরিয়ে সব রাস্তায় সব পড়ে আছে, এইরকম মনে হচ্ছে গলি গলিতে কৃষ্ণ যেরকম জন্ম নিলে মা লক্ষ্মী যেন এসে তিনি গলি গলিতে তিনি নৃত্য করছেন, এত সোনা চাঁদি হীরা মুক্তা খালি, সেখানে কুবেরও এসেছিল, এখন কুবেরকে ধান কুবের সমস্ত টাকা পয়সার কাছে মালিক, কুবেরও 33 কোটি দেবতা কুবেরও এসেছিলেন, কুবেরের মাথা লজ্জিত হয়ে গেছে, মাথা নিচু করে দিয়েছে, বলে ভগবান আমাকে কেন এইসব কুবের বানালো, মিথ্যা তিনি কুবের বানিয়ে দিয়েছে, আজকে নন্দ বাবা তিনি এত টাকা পয়সা হীরা মুক্তা দিয়েছে আমার কাছেও নেই, তো আমাকে কেন মিথ্যা করে কুবের বানিয়ে দিয়েছে, টাকা পয়সার মালিক প্রশ্ন কোথা থেকে এলো, এত টাকা পয়সা কোথা থেকে এলো, যেখানে কুবেরও যেখানে লজ্জিত হয়ে গেছে, কারণ হলো
ଯେମାନେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମ ନିଏଛେ ଓନାର ଧାତିନି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ପରାଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧା ରାଣୀ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି କେ ନିଏ ତିନି ଆଦେଶ ଦିଏଛେ ହେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଆଜିକେ ଆମର ପ୍ରିୟତମ ଗୋପାଳ ରେ ଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣରେ ଆଜିକେ ନନ୍ଦ ବାବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାନ ଦିବେ ତୁମେ ବାଡ଼ିତେ ଥାକେ ଯାତେ କମ ନା ହଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଦୁନିଆ ଥାକିବେ ସବାଇ ଯାତେ ସ୍ମରଣ ରଖେ ଗୋପାଳ ରେ ଜନ୍ମତେ ନନ୍ଦ ବାବା ତୁମେ କି ଦାନ ନା ଦିଏଛେ ଏଇଖାନେ ତିନି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗେଛେ ସେଖାନେ ଶିବ ଠାକୁର ଏସେଛେ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ବାବା ତିନି 20 lakh ତିନି ଗୋରୁ ଦାନ ଦିଏଛେ ହଁ 20 lakh ଗୈୟା सीन को सोने में बढ़वा करके पूरा को चांदी में बढ़वा करके 20 लाख धेनु हैं एक और मां सेकने पाप सेकने सी ठाकुर ऐसे चले सेकने बोलन सिबरे बाहन रखी ना नंदी दिव्य बलदर रूप एक और तो सी ठाकुर को एकदम चक्कर दे बड़ी है चले केनो तिनी 20 लाख तिनी गुरु दान दिचे तिनी चिंता कर छन गुरु के दान दिते ते यदि भूल ते यदि नंदी के दान दिए थी তখন আমার বাহান যদি চলে যাবে আমার কার উপর বসে যাবে এখানে তিনি কি করছেন ওর লেনটাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সীতা এখানে মা পার্বতী তো তিনি এসেছে এই জন্য বলছে না হাতি ঘোড়া পালকি হাতি ঘোড়া পালকি তিনি এত হাতি ঘোড়া দান দিয়েছে এখানে মা পার্বতী এসেছে ওনার দুইটি ছেলে কে কে কার্তিক আর গণেশ গণেশের মাথা না কিনে তো হাতিরে মত এই দিনে মা পার্বতী ভয় পেয়ে গেছে বলে কেন বলে নন্দ বাবা আজকে এত হাতি ঘোড়া দান দিচ্ছে এত হাতি ঘোড়া দান দিচ্ছে যদি ভুল যদি আমার ছেলেকে গজানন কে গণেশ মনে করে যদি তাহলে হাতি মনে করে যদি তার দান দিয়ে দিই তাহলে আমার ছেলেটা চলে যাবে এখনো বলে কোলে উঠে জোর করে দেয় ছাত্রীর মধ্যে দিয়ে জোর করে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছেলেটা যদি দাঁড়াতে না দিয়ে নিয়ে হ্যাঁ এইখানে সবাই সেখানে নৃত্য করছে 33 কোটি দেবতারা সেই নন্দ মহোৎসবে এসেছিল কিন্তু সেখানে সবাই আনন্দে নৃত্য করতে গাইছে সেখানে কিন্তু কেবল ওখানে একটি ব্যক্তি সেখানে এসে তিনি নাচা নাচি করছে না কে বলতে পারবেন তিনি হলেন মাতা রোহিণী বলে কেন তিনি দুঃখী হয়ে কেন বসে আছে বলে তিনি হলেন প্রসিদ্ধ ভক্তিকা সে রূপ গোস্বামী বলছে প্রসিদ্ধ ভক্তিকা মানে কি হলে মানে বলো যার পতি দূরদেশ আচার বিপত্তি মধ্যে পড়ে আছে কে পতি বসুদেব মহারাজ কোথায় মথুরাতে কি রূপে কংসারে কারাগারে যদি কার পতি যদি দূরে যদি কারাগারের মধ্যে থাকে ওনার স্ত্রী কখন সবাই মাঝখানে নাচবে কখনো তিনি নাচতে পারে না এই জন্য খুব দুঃখী হয়ে তিনি বসে আছে নন্দবাবা চিন্তা করলে দেখো আমার ছেলে গোপাল জন্ম নিয়েছে সবাই তো এখানে নাচানাচি করছে কিন্তু ঘরের সদস্য ইয়ে থাকে নাই সেখানে গিয়ে দেখেন রোহিণী খুব দুঃখী হয়ে বলদেব প্রভুকে নিয়ে বসে আছে কিন্তু বলদেব প্রভু জগতে জন্ম নিয়েছে তিনিও চোখ বন্ধ করে আছে তবে সর্বপ্রথম আমি গোপালকে দেখে তারপর দুনিয়াকে দেখব নন্দবাবা বললে রোহিণী দেখো তোমার বাড়িতে দুইজন স্ত্রী একটা যশোদা কি তুমি এখন যশোদা তো বাচ্চাকে জন্ম দিয়েছে বলে কিছু কাজ করতে পারবে না এখন ঘরে কাজ তোমাকে তো দেখতে হবে হ্যাঁ আমি জানি তোমার পতি এখন জেল মধ্যে তুমি তো কমসে গোপালে কিন্তু আশীর্বাদ দিতে পারো একটু আসো একটু গোপালকে আশীর্বাদ দিয়ে আসো এখন তিনি কি করছেন তিনি বলদেব প্রভু 15 দিন আগে বলদেব প্রভু জন্ম দিয়েছেন এখন তিনি বলদেব প্রভুকে নিয়ে ওই গোপালে যেখানে শুয়েছিল বেডের মধ্যে ঝুলা মধ্যে তিনি বলদেব প্রভুকে সেখানে শুয়ে দিয়েছেন যেমন শুয়ে দিয়েছেন না ইতিমধ্যে বলদেব প্রভু তিনি কি করছেন কৃষ্ণ কি করছেন নিজের হাত টানিয়ে বলদেব প্রভু রেখে দিয়েছেন যেমন রেখে দিয়েছে তিনি বললেন প্রথমে আমি নিজের হ্যাঁ ছোট ভাই কৃষ্ণকে দেখে দুনিয়াকে দেখো যখন তিনি হাত রেখেছেন না বলদেব প্রভু বুঝতে পেরেছে আমার ছোট ভাই গোপাল জন্ম নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ খুলে দিয়েছে চোখ খুলে না সামনে তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করছে এখন রোহিণী তো দুঃখী ছিলেন কিন্তু যখন দেখলো আমার ছেলেটা চোখ খুলে দিয়েছে না আর তিনি আর আনন্দ আর ভিতরে রাখতে পারেনি আর তিনিও সেখানে নৃত্য করতে আরম্ভ করে দিয়েছে প্রভু একটি সুন্দর ভজন গাইবে কিভাবে ব্রজবাসীরা সেখানে নন্দ উৎসব সেখানে কিভাবে আনন্দ দিচ্ছে তিনি একটি ভজন গাইবে আর সবাই সেই ভজনতে তালি দিয়ে নৃত্য করবে আর সবাই কীর্তন করবে ঠিক আছে শ্রীকৃষ্ণ জয় জয় শ্রীনারায়ণ।
अजमेर जाओ कभी कभार जब मैं बोलता हूँ भजन गाता हूँ कभी कभार कोई माता जी बोलते हैं कोई नहीं बोलते मैं देख रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि पति का नाम आ जाता हो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं पुराने जमाने के माता जी जो है वो पति का नाम नहीं लेती है क्या अभी तक नहीं लेती पुराने जमाने की जो है लेकिन आजकल तो ले लेती है अपने पति को ऐसे बुलाती है जैसे कि आपने मुन्ना को बुला रहे हैं बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है तो एक पंडित जी कीर्तन करा रहे थे क्या मर्दन कंस निकंदन देवी के नंदन तब शरण काली मर्दन कंस निकंदन देवी के नंदन तब शरण पंडित जी कीर्तन करा रहे थे काली मर्दन कंस निकंदन देवी की नंदन तब शरण ठीक है अब सामने एक माता जी बैठी थी वो ऐसे ताली बजाकर कीर्तन कर रहे थे लेकिन उनके पति का नाम था देवकी नंदन पति का नाम देवकी नंदन था और पंडित जी रोज वही देवकी नंदन वाला कीर्तन कराते लेकिन माता जी ले तो ले कैसे नहीं ले पाती अपने पति का नाम आ जाता इसलिए पंडित जी ने जो है वो माता जी को खटकरा लगाया अरे तुम सामने आके रोज बैठती हो लय बिगाड़ती हो तार बिगाड़ती हो कीर्तन में तो माता जी जो है गुस्सा होकर चली गई घर पे अब उनके घर जाकर मन खराब हो गया पंडित जी ने खटकरा लगाई तो अब उन्होंने सोचा कि मुझे की कथा छूट जाएगी मेरी इसलिए मेरे को तो जाना ही है कैसे जाए तो उनने घर में जो है रिहर्सल किया कैसे ये कीर्तन गाया तो उनके घर में दो बेटियां थी एक का नाम है चंपा और एक का नाम है पुष्पा तो उनने सोचा कि पंडित जी रोज यही कीर्तन कराते हैं तो मैं भी रिहर्सल करूं क्योंकि पति का नाम आ जाता है कैसे ले ले तो कैसे ले तो घर में रिहर्सल कर रही थी कैसे देखिए हरि काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरण काली मर्दन कंस निकंदन पुष्पा के पापा तब शरण पंडित जी क्या गा रहे थे देवकी नंदन तब शरण लेकिन ये जो है क्या कह रहे हैं पुष्पा के पापा तब शरण आप तो क्या है वो माता जी जब देखा कि कीर्तन में लय ताल बिल्कुल बिगड़ नहीं रही है बिल्कुल अच्छा है तो वो आकर के वो क्या बनारसी साड़ी कहते हैं ना वो बनारसी साड़ी पहन करके बिल्कुल सामने आके बैठ गए अब तो सर धर कर बैठ गए अब पंडित जी का वही कीर्तन क्या काली यानी कि लय भी नहीं बिगड़ा कीर्तन भी हो गया सब कुछ हो गया तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोगों के पति का नाम भी गोविंद कन्हैया नारायण ऐसे हो सकता है इसलिए हो सकता है आप लोग नहीं ले पा रहे इसलिए मुंह बंद रहता है ऐसा हो सकता है तो इसलिए ये जो कीर्तन है देखिए इसमें कोई डायरेक्ट नाम नहीं है भगवान का ये इनडायरेक्ट है कालिया मर्दन कौन है हा? कृष्ण और कंस निकंदन कौन है कृष्ण देवकी नंदन कौन है इसमें कोई डायरेक्ट नाम नहीं है इनडायरेक्ट है तो इसी प्रकार अजामिल ने भी डायरेक्ट नहीं बोला था इनडायरेक्ट उसके बेटा को बुला रहे तो इस प्रकार आप लोग इनडायरेक्ट ले सकते यदि पति का नाम आ जाए ऐसे तो बिहारी नाम की तो आइए
कृष्ण जन्म में सभी को नाचना है और इसके बाद राधा रानी इसके बाद राधा रानी कि आज बरफी सी ब्रज नारी बनी और आनंद के मारे कोट क्या बना है इस पद में है देखिए कि आज बरफी सी ब्रज नारी बनी अरे गुड़िया से गीति और गुंजा से ग्वाला अरे मेरा से प्यारे बने बन देव जो रस खीर सिरोही रूप रसाला कि नंद महित बने नमकीन नंद महीत बने नमकीन गोपन गोप सब गरम मसाला अरे जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुलाला अरे जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सिरात में हरि जायो यशोदा जी ने लल्ला हरि जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला
પસીના આવી ગયા, સૌ ઘામ ભરી ગયા છે. છતાં મોટા છે, સૌ કામ આવી ગયા. ત્યાં સાત દિન કે સાત કિલો કામ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ હરિ બોલ, એકવાર હાથ ઉઠી બોલો, બોલો હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. એકવાર અભી હમ મથુરા ચલતે હૈ, અભી દેખતે હૈ મથુરા મેં ક્યા હો રહા હૈ. બોલે જિસ સમય વસુદેવ મહારાજ ને કૃષ્ણ કો ગોકુલ મેં રખ કરકે વહાં સે એક બેટી કો લે આયે ઔર અંદર મેં પ્રવેશ કરતે હી સારે દરવાજા બંધ હો ગયા ઔર હથકડી બેડી સબ કે સબ પડ ગઈ. હે કથા બોલે મેના સબ કિચલા મત, સબ કે ચાલો કરે સબ. હા હરે કૃષ્ણ હરી બોલ, સબ બસ પડ જે ભાઈ. એખાન ઓય જે જે જિસ બચ્ચે કો ઘર મેં લાયે હે, અભી વો બચ્ચા રોના શુરુ કર દિયા. અભી બહારા કર જગ ગયા, કંસ કો આદેશ દિયા, કંસ મહારાજ તેરે કાલ જન્મ લે લિયા. અભી કંસ ભાગતે ભાગતે આયા, દેખા બેટા નહીં બેટી હૈ. જશોદા ને શ્રી દેવકી ને બહુત સમજાયા કંસ કો, તુ મેરે છે છે બચ્ચે કો માર ડાલે, કમ સે કમ એક બેટી તો દે દો. લેકિન કંસ કહાં સુનને વાલે, બોલે બેટા હો નહીં તો બેટી હો. અભી તક વો થી જોગ માયા, ક્યોંકિ દેવકી હાથ મેં થી. લેકિન કંસ સ્પર્શ કરતે હી કંસ કભી જોગ માયા કો સ્પર્શ નહીં કર સકતા હૈ. કંસ સ્પર્શ કરતે હોગી મહામાયા. જબ ઉસને પછાડને કે લિયે ગયા, ઉસને અપના પ્યાર સે એક ઠોકર મારે તો વો જૈસે બિજલી ચમકતી ના ઇસે ગિર પડા. ઔર કિતને મેં આકાશ મેં ઉડતે હુએ અષ્ટ ભુજાઓં કો ધારણ કરતે હુએ બોલે, બોલે રે બુઢા કંસ તું મુજે ક્યા મારોગે, તેરે કો મારને વાલા તો અન્યત્ર જન્મ લે ચુકા હૈ. બોલે ભૈયા યે તો મેરી કુલદેવી કે કંકાલી હૈ, યે તો કભી ઝૂઠ નહીં બોલેગી. ફેર મેરે સાથ મેં યે દેવતા લોગો ક્યા બેઈમાની કી હૈ, યે દેવતા લોગો ભી ઝૂઠ બોલના શુરુ કર દિયા. ઉસને દેવકી કે ચરણ મેં ગિર પડે, બોલે બહેની યે દેવતા તો મેરે સે ધોકે દેતી હૈ, વો મેરી જોગ માયા સ્વયં મેરી કંકાલી દેવી કહેતી હૈ, મેરે કો જો મારેગા વો અન્યત્ર જન્મ લે લિયા. મેં તો ઉસી કાલ કે લિયે હી તેરે છે છે બચ્ચે માર ડાલા. બહેન મેરી અપરાધ કો માફ કર દો. લેકિન દેવકી કો પતા હૈ મેરે લાલા ગોકુલ મેં, લેકિન ઇસકો પતા નહીં હમ રાત રાત વહીં રખ કરકે આ ગયા હૈં, રખ કરકે આ ગયા મેરે લાલા સુરક્ષિત હૈ. અભી ઉસને બોલે ભૈયા જીવન મેં જો કુછ હોતા હૈ અપના કર્મ કા ફલ જી ભોગ કરતા હૈ હૈં, ઇસલિયે કોઈ ચિંતા મત કરો. ઇતને મેં કંસ ઉસને અપના અનુયાયો બુલાયા, ત્રિણામર કા ઘાસ ઉસ કટા સુર પુતના, બોલે બતાઓ અભી મેરે કો ક્યા કરની ચાહીએ. ઇતને મેં પુતના ખડી હો ગઈ, બોલે ભૈયા મેરા નામ હી પુતના હૈ. પુતના મતલબ ક્યા, પુતના પુત મતલબ પવિત્ર, વા પુત મતલબ પુત્ર, નામ મતલબ નહીં, મેરા નામ હી પુતના હૈ. પુત કા ક્યા જરૂરત હૈ, મેં અપના મન મરજી રૂપ ધારણ કર સકતી હું. એક મહિના મેં કહીં ભી બચ્ચે જન્મ હુઈ હમ ખતમ કર દૂંગા. બોલે બહેન જલ્દી જલ્દી કરો. અભી પુતના બડી સુંદર શ્રંગાર કી, ઇતને સુંદર ઉસને બની થી એસ લગ રહા થા માનો કૃષ્ણ ગોકુલ મેં જન્મ લેને પર માં લક્ષ્મી સ્વયં વૈકુંઠ સે સ્વાગત કરને કે લિયે આ ગઈ. ક્યા ઉનકી બેટી મેં જી હસી, ક્યા ઉસકી તિરસી ચિતવન, ક્યા ઉસકે શ્રંગાર, ક્યા ઉસકી ચાલ હૈ, ક્યા ઉસકી શ્રંગાર હૈ. સબ લોગ દેખ દેખ રહે હૈરાન હો રહે થે. ઉસને સીધા ચલી ગઈ કહા નંદ ભવન મેં, વહાં પર ભૈયા જશોદા રોહિણી કૃષ્ણ કો પલ્લે મેં ઝુલા રહી થી. ઉસને કોઈ બોલ ચાલ નહીં. હાં યહાં પર શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી પ્રશ્ન કરતે હૈ, બોલે ભૈયા પુત્રના ઉસકા ઔર વેગર તો પૂત મતલબ પવિત્ર, ના મતલબ નહીં જો પવિત્ર નહીં અપવિત્ર. કહેતી યે પુત્રના કહાં પ્રવેશ કરતી હૈ, બોલે નગત્ર શ્રવણાદિ રખ જ્ઞાન સો કર્મસ, વહી પર હી અપવિત્ર પ્રવેશ કરતી હૈ. કહાં પર, જહાં પર પ્રભુ કા કીર્તન નહીં, જહાં પર ભજન કીર્તન નહીં, વહી પાપ પ્રવેશ કરતી હૈ. લેકિન યહાં કા આનંદ કંદ સ્વયં મંગલ ભવન અમંગલ હરિ, સ્વયં યહાં પર હરે પુતના કૈસે પ્રવેશ કરી ગઈ. સુખદેવ ગોસ્વામી ઉસકા આન્સર દેતે હૈ, યે કૃષ્ણ કા ઈચ્છા હૈ, કૃષ્ણ કી ઈચ્છા. અગર પુતના નહીં આતી ફિર હમ બૈઠ કર કથા ક્યા સુનતે, અગર કંસ નહીં હોતા કૃષ્ણ કથા હોતા, રાવણ નહીં હોતા રામાયણ હોતા. ઇસલિયે શ્રી વૃંદાવન દાસ ઠાકુર કહેતે હૈ, જબ તો દેખો ચૈતન્ય હરી
ସେ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟରେ ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି କରେ। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जिनको भगवान की शत्रु रूप में देखो शत्रु नहीं वो दूसरे तरफ में लीला को पुष्टि करते हैं। जगह ही माधा ही नहीं होता महापुरुष महिमा घटता थोड़ी दुनिया में। इसलिए ये कृष्ण की इच्छा से ही अभी पुतना आई और आ करके पुतना इस क्या क्या कृष्ण को सीधा पकड़ लिया है। यहाँ प्रश्न करते हैं कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे घर में आए बिना बोले थोड़ी तुम्हारी बच्चे को ले सकते हैं। फिर यहाँ जसोदा रोहिणी थी वो कुछ बोली नहीं थी कहते वो इतने सुंदरी बन करके आई थी इनकी रूप देख करके मैया सोच रही है ये लाला जितने सुंदर है ना अगर इसकी मैया बनने का लायक तो यही है। मतलब इतनी सुंदरी वो बन करके आई थी उसने झट कृष्ण को पकड़ कर गोद में उठा ली। उठाते ही कृष्ण आँख बंद कर दिए। इसको पीछे हमारे टीकाकारों ने बड़ी रहस्य बताते हैं अभी मैं रहस्य बताऊंगा और कल सुनूंगा आप लोग से मैं कल सुनूंगा मैंने कृष्ण आंख क्यों बंद किया था। ठीक है आज मैं बताऊंगा कल देखूंगा कम से कम आप लोग एक 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 पॉइंट को याद रखना। पहला पॉइंट है कृष्ण आंख क्यों बंद किया बोले कृष्ण आए क्यों बोले कृष्ण इसलिए आए परित्राण आय साधु नाम बिना साय के दुष्कृता उन्होंने भक्तों को रक्षा करने के लिए दुष्टों को विनाश करने के लिए अभी श्री गणेश करने जा रहे हैं। पहला पुतना को उन्होंने सबसे पहले पुतना को मारेंगी। अभी भगवान ने देखा अगर मैं आँख खोलूँ ना मेरे आँख में कभी पाप नहीं टिक सकती है। ये पुतना कौन ये अविद्या पाप है हाँ ये अविद्या ये पाप है बोले मेरे सामने पाप कभी टिक नहीं सकती है। अगर मैं आँख खोल कर देख लूँ ना इधर जल करके राख बन जाएगी फिर मैं लीला कैसे होएगा। इसलिए उन्होंने आँख बंद किया। कितना कारण हुआ बागर ही मारे ना सब चक्का बूझे उत्तर বুঝতে পারছেন তো না শুধু শুনছেন একটু বুঝেন হরে কৃষ্ণ এই জন্য কৃষ্ণ তিনি চৌক কেন বন্ধ করলে হ্যাঁ বলুন কিসের জন্য বন্ধ করলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না আমরা এইটা কিছুই বুঝতে পারি না দেখো বাংলায় বলতেছি এই সবাই মনে রাখবে সবাই ঠিক আছে হ্যাঁ এই জন্য তিনি চোখ বন্ধ করলেন কৃষ্ণ এই জন্য জগতে এসেছেন তিনি দুষ্টদেরকে বিনাশ করার জন্য। এখন তিনি কৃষ্ণ চিন্তা করছে এখন আমি প্রথমে পুতনাকে মারব যদি আমি চোখ খুলি আমার সামনে পাপ থাকতে পারে না আমার পাপ সামনে থাকতে পারে না পাপ চোখ খুললেই আমার সব পাপ কি হবে ধ্বংস হয়ে যায় পুতনা মরে যাবে কিন্তু এখন এই জন্য আমি এসেছি দুষ্টদের বধ করতে। এই জন্য ভগবান কি করলেন তিনি চোখটাকে বন্ধ করলেন কেন বলে পাপকে আমি দেখতে চাই না। দ্বিতীয় কারণ বললে তুমি হলে কপট ব্যক্তি উপর থেকে তো মার রূপ ধারণ করে এসো বলে ভিতর থেকে মারার জন্য তুমি এসছ স্তনের মধ্যে কাল বীজ নিয়ে এসেছ অতএব কপট ব্যক্তি তাদের আমি মুখ দেখতে চাই না। এই জন্য ভগবান তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তৃতীয় কারণ তিনি বলছেন যদ্যপি ভগবান তিনি রাক্ষসদের বধ করছেন তবুও ভগবান পরম করুণা ঠাকুর জি পরম দয়ালু তিনি দেখলেন কি তো মা রূপ ধারণ করে এসেছে একে তো আমি এখানে মারব এখানে ছটপট 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 করবে আমি এর দুঃখটাকে কি করে দেখবো সহ্য কি করে করবো এই জন্য তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তিনটা কত কারণ হলো তিনটা কারণ হলো চৌথা কারণ হলো ভগবানের গর্ভের মধ্যে অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান এখানে ভগবান বিষ মান করবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভয় পেয়ে গেছে বলে হে প্রভু আপনি এর স্তন নেই স্তনে তো বলে বিষ জ্বর আছে তুমি যদি পান করো তোমার গর্ভে তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার আছে এই জন্য প্রভু তুমি যদি স্তন পান করো আমরা সবাই মারা যাব হে প্রভু তুমি এর স্তন পান করবে না হা কার বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করে তিনি শিব ঠাকুরকে স্মরণ করলেন হে ভোলে বাবা তুমি তাড়াতাড়ি আসো শিব বললে কেন বলে কেন কি তোমার কাজ হলো বিষ খাওয়া আর আমার কাজ হলো দুধ খাওয়া এই জন্য তুমি তুমি বিষ বিষ গুলো খেয়ে নাও আমি দুধ দুধ মাখন মাখন গুলো খেয়ে নেবো হ্যাঁ ভগবান খুব চালাবে এই জন্য তিনি চোখ বন্ধ করলেন। কয়টা কারণ হলো পঞ্চমা কারণ তিনি বলছে হ্যাঁ বলে তুমি কেন এসছো বলে বালক তাদের মারতে বলে জানো এখানে ব্রজের মধ্যে যত বালক লোককে কাম বসুদা শ্রীদা ললিতা
विशाखा चंपकलता आमर सखीर जन्म दिए तुम्हें आमार भक्त दे बाड़ते एसो अत तुम्हारा हमें चौक देख तुम्हारा तुम्हारा मुख देखते चाहिए ना एजन भगवान तिनी चौक बंद कर ले छठमा कारण बोल तिनी विष नहीं एस देखिए ऐले के को मिष्टि मिष्टि खावा दिले ना वाला तो खूब आनंद हो खाए कि जदि कौन हाँ जदि कौन तेत जिनस दे चौक बंद कर ले एजन तीन विष नहीं एस बोले एक मिष्टि मिष्टि जिनस आनले एक भलो कर खेतम আর তুমি তো বিষ নিয়ে এসছো হ্যাঁ বিষ হলো খুব হ্যাঁ কড়ুয়া কড়ুয়া কি বলে তেত অত আমি কি করে খাবো এই জন্য ভগবান তিনি কি করেছিলেন তিনি চকটাকে তিনি বাদ করে দিয়েছেন কয়টা হলো ছয়টা সাতমা কারণে তিনি বলছেন বলে জনামা মনি যত না করাই অন্তরা করি तुलसीदास बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई मुनिरा जन्म जन्मांतर तक जतन कर ले हो अंत राम कहीं आवत नहीं अंतिम समय में भगवान ने नाम आसा कठिन आ चाहिए किंतु ये पूर्व जन्म इरको की पुण्य करे छे आमा के कोले उठा छे तेजे ने चौक बंद करे प्रभु तार पूर्व जन्म ने देख छे की पुण्य करी ऐसे छे तेरी चौक बंद कर देखने सत्य सत्य पुण्यात्मा बोले के बोले पूर्व जन्म बलि महाराज ने ये रत्नमाला छिलो যখন আমি বামন রূপ ধারণ করে গিয়েছে গিয়েছি তার মনের প্রতি ইচ্ছা হয়েছিল ইয়ে কি আমার ছেলে হয়ে আসবে এলে সব সময় তাকে কোলে নিয়ে আমি আবদার করতাম ভালোবাসতাম যখন তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে দিয়ে গর্ব নাক ফাঁস বেঁধে দিয়েছেন বলে তুই আমার ছেলে হয়ে আস না তোমাকে দুধ কি খাও বিষ খাও বলছেন ওই এখানে খান তিনি ওই পুতনা রূপে তিনি এখানে তিনি এসছেন এইরকম আপনার 15-16টি কারণ কিছু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কিছু বল্লভাচার্য তারা এইরকম ভাবে বহু কারণ বলেছে যখন তিনি আইবার হিন্দি বলছি যখন ভগবান কৃষ্ণ কো উনি গোদ মে লিয়া আর গোদ মে লেকর কে যখন উনকো মুহ মে স্থান দিয়া না ভগবান স্থান কে পান করেন উনকো প্রাণ কো উনি শ্বসন কি হে ভগবান এত ছেদিন কা বাচ্চা ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे प्राण को शोषण कर रहा है उन्हें छुड़ाने के लिए कोशिश की भगवान ने कहा देखो मैं तो जब एक बार किसको पकड़ लो ना कभी मैंने छोड़ना कभी सिखा नहीं है हमें छोड़ना कभी सिखा नहीं जब तक तू मैया बन करके आई मेरे को गोद में ली जब तक अपना धाम नहीं पहुंचा देती हूँ तब तक मैं छोड़ने वाले नहीं बहुत कोशिश की 10,000 हाथी की शक्ति लेकिन भगवान को 10 से नस भी नहीं कर सकी अभी वो सोच रही है किसी तरह से अगर मैं मथुरा चला जाऊँ ना भैया कल से कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा इतने में पुतना अपना असली रूप में आ गई भयंकर रूप थी हाँ उसका वर्णना करते ही इतने भयंकर बदले कितने बड़े बड़े त्रि गभी थी कहीं कहीं आता है 12 मील कहीं कहीं आता है 18 मील इतने लंबी चौड़ थी और कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चली श्री जीव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने कहाँ पर लेकर के फेंका बोले कलस का एक सुंदर बगीचा था हाँ केवल भालगिरी बुझे कृष्ण के तीन कुथा दिए फैलले जीव गोस्वामी बोलते एक सुंदर कंसर बगीचा छिल सब थे भालो बगीचा जत तो प्रकार फल फूल ते भरा छिल देखो एर का तो भालो शिक्षा आ गई आज के अपना यही शिक्षा तो भर नहीं जावे हमारे भक्तरा तो लिए कि जरा भक्ति करना इस जिनिसटा नहीं जावे जीव गोस्वामी के की बोलते এখন সুন্দর বগিচা ছিল ফল ফুলতে ভরা কিন্তু কংসের নির্দেশ ছিল এখানে যারা কোনো ফল ফুল যাতে কোনো ব্রজবাসী না পায় যাতে কৃষ্ণ না পায় আমি খাবো আমার যত অনুযায়ী খাবে ভগবান বলে তারিখে দুনিয়া কে বানিয়েছে দুনিয়াকে কে বানিয়েছে আমি বানিয়েছি ঈশা বাসা মিজম সর্ব জগৎ কিচা জগৎ জগত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বানিয়েছে আমি কিসের জন্য আমি বানিয়েছি আমার জন্য আমার ভক্তের জন্য আর এত সুন্দর ফল ফুল আমি পাব না আমার ব্রজবাসী ভাবনা তু আর দুষ্টপ্ন পা দেখা যায় এখন কি করছে যোগ মায়া না পুতনাকে উড়িয়ে ওখানে নিয়ে গেছে আর ওই বগিচার মধ্যে এত জোরের মধ্যে ফেলেছে যত কাঠ কালা ফল ফুল না সব শেষ জীব গোস্বামী গায়ে টিকার মধ্যে বলছে তিনি টিকার মধ্যে বলছে যদি গোবিন্দের সেবায় যদি কেউ না লাগায় সব সত্যানাশ করে দিয়ে যাবে এখানে কি করবা দেখো একটা জিনিস নিয়ে যাবে
প্রত্যেক দিন বাড়িতে যা কিছু রান্না হবে প্রথমে গোবিন্দকে ভোগ লাগানো, পিঁয়াজ রসুন ছাড়া। আমি বলেছিলাম না পিঁয়াজ রসুন কি দিয়ে, পিঁয়াজ রসুন করবে না, ভগবানকে প্রথমে তুলসী পাতা দিয়ে গোবিন্দকে ভোগ লাগাবে। এই জন্য কৃষ্ণ গীতাতে বলছে ভুঞ্জন তেব অধব পাপা, বলে অর্জুন যারা আমাকে ভোগ না লাগিয়ে খায় ওরা কখনো পাপ ভোজন করে, কিন্তু যজ্ঞ শিষ্টাসীন সন্ত বুঝতে সর্বপরি সেই, কিন্তু আমাকে যারা ভোগ দিয়ে খায় তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মনুসহিতা বলছে স্বান বিষ্টা সমচরণ নিরঞ্চর সূর্যাসন, যে বস্তু ভগবানকে ভোগ লাগে না, ওই যে ডাল ভাত সবজি রুটি, এখানে কুকুরের বিষ্টার সঙ্গে সমান, কুকুরের বিষ্টার সঙ্গে বলে পানি মূত্র, পানি মূত্র পরিষ্কার সঙ্গে সমান, এবং মদিরা সঙ্গে সমান যদি ঠাকুরকে ভোগ না লাগে, ঠিক আছে কি করবা, ভগবানকে রোজ ভোগ লাগে খাবা। দেখো আপনারা টিভি দেখেছেন একদিন সুদামা কৃষ্ণ জঙ্গলে যাচ্ছে, এখান যে গুরু মাতা সুদামা খুব চানা দিয়েছিল, বলে দেখ কৃষ্ণকে দিয়ে খাবি, কিন্তু সুদামা কি করছিল ও লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়েছে কৃষ্ণকে দেয়নি। এই জন্য এত গরিব এত দরিদ্রতা লাভ করি, এত দরিদ্র হয়েছে, কিন্তু ধনী কখন হলো যখন ওর পত্নী বুঝতে পেরেছে এনার বাল্য সখা হলো কৃষ্ণ দ্বারকা দিস, বলে যা বন্ধুকে দর্শন করে আস, বলে খালি হাতে যাব না, তখন দুই মুঠি তিনি চিড়া নিয়ে গিয়েছেন, কৃষ্ণ এক মুঠি দ্বিতীয় মুঠি খেয়েছেন, যখন তৃতীয় মুঠি খাচ্ছেন রুক্মিণী হার খাচ্ছে, বলে না যারা দুই মুঠি খেয়েছে কি হয়েছে সমস্ত রাজ ঐশ্বর্য ঘরে পৌঁছে গেছে, কিন্তু তুমি দ্বিতীয় মুঠি খাও না, আমি যে লক্ষ্মী ওর বাড়িতে দাসী হতে হবে, যেন বাড়িতে বুঝে না রাজ মহে পত্নী রাজ রানী হয়ে বসে আছে, বুঝতে পারছেন তো, যারা ঠাকুরের ভোগ না লাগান কি করবেন, কম সে কম এইরকম মানে সাত দিন শেষ, কথা শেষ আমরা শেষ না, এখান থেকে কি নিয়ে যাবেন বাড়িতে যা খাবো গোবিন্দকে ভোগ লাগাবো, তাকে ভোগ লাগিয়ে খালি কি হবে টাকা পয়সা খুব আসবে, বুঝতে পারছেন আর যদি তাকে ভোগ না লাগিয়ে খা না দরিদ্রতা ভোগ করতে হবে, তখন দরিদ্রতা বাড়িতে এসে যাবে, বুঝতে পারছেন তো, একটা জিনিসে নিয়ে যাবেন বিনা পিঁয়াজ রসুন ছড়া খাবেন গোবিন্দকে ভোগ লাগিয়ে খাবেন, ঠিক আছে যারা ভোগ লাগায় না কম সে কম কথায় থাকে এইটা নিয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই জন্য তিনি জীব গোস্বামী করছেন, এই জন্য তিনি ঘোষ এই আমি সারে ব্রজবাসী পিছে পিছে ভাগে, বলি ইয়ে কাহা আমার লালা কো উঠা কর উড়া কর লে যা রা, হ্যাঁ লে যা রে, দেখা ও মরি পড়ি হুই, কৃষ্ণ কো ওহাঁ সে উতারে, ফির কৃষ্ণ কো উনহনে স্তন পান করায়া, ফির কৃষ্ণ জব থোড়ি থোড়ি মিঠি মিঠি উনহনে থোড়া মুস্কর আয়ে, বলে লালা ঠিক ঠাক হে, ফির গইয়া কে পুঁছ সে ঝাড়া লগবায়া, ফির আয়ে নুন কো মন্ত্র পুত করকে সরপন ছিড়কাব করবায়া, মেরে লালা কো উপর কোই ভূত তো নেই লগ গিয়া, হ্যাঁ উনহনে ভূত ছুড়বায়া, হ্যাঁ দেখো उसको बाद में माँ जसोदा हर एक चीज लेकर के जाना, उसको बाद में माँ जसोदा कृष्ण को मंत्र पढ़ करके वो तिलक लगाया, वो रज से कृष्ण को उन्हें द्वादश अंग में तिलक लगाया। देखो ये तिलक हमारे तो अधिकांश हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग हैं, जो लोग तिलक नहीं लगाते हो गले में कंठी नहीं धारण करते हो, ये कंठी तिलक माला ये तीन चीज होनी चाहिए। संतों का कहना है जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हो, नहीं तो फ्रांस लंदन रशिया जाना चाहते हो, आपके पास में तीन चीज होनी चाहिए, कितना चीज होनी चाहिए, क्या क्या है, पहला नंबर पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा और तीसरा नंबर टिकट। इसी साधारण इसी जगत में अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो तीन चीज की जरूरत है, अगर गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हो तुम्हारा पास में भी तीन चीज की जरूरत है। पहला चीज क्या है, पासपोर्ट, यदि पासपोर्ट दिया तो गले में तुलसी कंट्री जरूर होनी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी जरूर होनी चाहिए, ये तुलसी कंठी कोई साधारण वस्तु नहीं। जब भक्ति वेदांत स्वामी महाराज अमेरिका गए वहाँ पर बोले अमेरिका में भैया गले में कंठी पहनो, बोले लकड़ी क्यों पहनेंगे, हमारे पास में सोने चांदी है, हम ये लकड़ी क्यों पहनेंगे, तो उन्होंने सारे शास्त्रों से तुलसी में क्या शक्ति, उन्होंने सारे शास्त्रों से श्लोकों को उद्धृत करके बताया। अभी अमेरिका में साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है ये हिंदू लोग के पेड़ पूजा क्यों करते हैं, तुलसी के पेड़ है ना उसको पूजा करते हैं परिक्रमा करते हैं पानी देते हैं, रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन है तुलसी वृक्ष में, आप दुकान से आज कल एक मेडिसिन ढूंढना उसका नाम तुलसी पावर, मेडिसिन शॉप में जाकर पूछना आपके पास में तुलसी पावर है, देखना इतना बड़ा बोतल मिलेगा,
आप उसको अंदर में इतना बड़ा पेपर होगा पढ़ते हुए लिखना, दो दो तुलसी पत्ता अगर जो रोज रोज जो खाएगा कभी उसको टीबी कैंसर कभी नहीं होगा जिंदगी। उसमें पृथ्वी का उसमें लिखा हुआ पानी में एक बूंद देकर पानी पीना, आँख में कैसे, कानों में कैसे, स्किन में कैसे, वहाँ 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ। आप पेपर को पढ़ लेना, 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ। कैंसर ऐसे की बीमारी है वो हो जाए ना जिंदा रहना कठिन है, लेकिन एक भैया को मैंने देखा है कैंसर हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। उसने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गया, गई तो बोले तुम तुलसी पत्ते को जूस का पिया करो, उसको कैंसर तुलसी से कैंसर सही है, बोले इतने दबा उसका अंदर में। इसलिए गले में जब तुलसी कटी धार में करते हैं स्नान करने पर इसका सारे पानी सारा शरीर में जाएगा, बीमारी अपने आप निकाल देती है। पुराण में बताया जो व्यक्ति गले में तुलसी कटी पहने जब स्नान करते इसका पानी सारा शरीर में जाती है, कहते पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सारे तीर्थ में नहाने का फल उसको प्राप्त होता है। अब हम तो हिंदू है, देखना तुलसी को साथ में सालग्राम की शादी होती है, बोले तुलसी क्यों कर तुलसी लक्ष्मी, गले में कंठी मतलब कौन आ गई माँ लक्ष्मी की निवास। तुलसी में और कौन है, जब भगवान ये दुनिया छोड़ कर गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, बोले तुलसी लिखे में। हम बोलते हैं ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले वाक्य भी आ रही, बोले वृंदावन में क्यों, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब वन, जहाँ तुलसी के वन वहीं पर कृष्णा। इसका मतलब जिसके गले में तुलसी कटी है लक्ष्मी नारायण की निवास हो गया, लक्ष्मी नारायण है। हाँ देखो इसमें किसम किसम साइंस है, प्रश्न है हम इसको गले में क्यों धारण करते हैं, इसको कहते कंठी, क्या कहते हैं कंठी, ये कंठे में क्यों धारण करते हैं, उसमें क्या साइंस है। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग ये कंठ है, अगर किसी व्यक्ति को मारना हो ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गला दबा दो खत्म हो जाएगा। इसलिए जब अंदर में कोई गंदी चीज की प्रवेश करती इधर से इधर से, इसलिए बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हैं बताओ, ताबीज बच्चे को कहाँ कुछ ताबीज पहना गले में, बोले क्यों, बोले कोई भी गंदी चीज आती है इधर से प्रवेश करती है, अगर ये तुलसी गले में कटती है ना सारे बेटी सी, इसमें लक्ष्मी नारायण तब एक तरह का ये कवच का काम करता है, गले में ये कवच का काम करता है, इसलिए हम गले में तुलसी की हम कट्टी पहनती है, ठीक है ना। और देखो सबसे बढ़िया चीज है, जब महाराज उनको दूतों को बोले, बोले देखो जो भगवान की भजन करते हैं उनको मेरे पास में बतलाना, जब दूत ने कहा भैया हमें पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है नहीं करता है, इन्होंने बढ़िया उदाहरण दिया, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया किसी घर के कुत्ते हैं, और जो फालतू कुत्ता बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमता है, देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, बुझना चलता। हाँ अगर गले में तुलसी कंठी हमारा भगवान है पालतू, यदि कंठी ना था सब फालतू कुत्ते, हाँ देखना पालतू को मारे ना फालतू को जाएगा, बुझना चलता। एक ने यदि गलाई तुलसी कंठी था के जम दूध कखन तुम्हारे ऊपर जम महाराज नीचे पहुंचे, यदि कार गलाई तुलसी कंठी तक बुझते पारे भगवान आश्रय लिए छे। हाँ और देखिए मरार पर ना बेटा गौरव पुराण पढ़ा है, भगवान कपिल देव थी माँ के बोलते मरार पर ताके एक बैतरे नदी पार करता है, बैतरे नदी परिसरा पाई करना पूज रक्त दिए गाना हो चाहिए, और ऊपर तक चाबुक मारते मारते उन्हें पार करा है, प्राय 10-13 दिन लग जाए, लेकिन 13 दिन पर श्राद्ध क्रिया करें करना कोई नदी का पार होते 13 दिन लगे, बोले कहते रहे बोले जागरे गलाई तुलसी कट दिया, जागरे गलाई तुलसी कट दिया, लेकिन कखन वही बैतरे नदी कखन पार करता है, बोले कहना जम दूत कखन आसवे ना अपना का कंठी तिलक जाए देखना बुझते बारे में अरे ठाकुर रे लो यदि पाप कर्म करता है ठाकुर विचार कर लो हमारा विचार कर लो बुझते बात चल तो। इसलिए फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, हाँ इसलिए सबका सब चेष्टा कर रहे सबाई ए रकम नहीं नीचे तक बलाई तुरस माला पड़ेगी एक नियम साधु गुरु वैष्णव अगर काछे तक लिए एक गलाई तुरस माला बढ़ता है। इसलिए पहला चीज क्या हमारा पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरा चीज क्या हमारे पास में भीजा होनी चाहिए, बोले भीजा क्या बोले तिलक भीजा है, ये तिलक भीजा यही तिलक है, अब ये गोपियों का चरण धूलि है, साधारण वस्तु नहीं ये द्वारका से आती है, ये गोपियों का चरण धूलि है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं
ভক্ত পদ ধুলি আর ভক্ত পদ জল ভক্ত ভুক্ত শেষ দিন এই সাধন বল আর শুদ্ধ ভক্ত চল রেণু ভজন অনুকূল সব শ্রেষ্ঠ ভক্ত ব্রজবাসী তাদের এটা হলো চরণ ধুলি এখানে ইয়ে কবচের কাম করে এটা আমরা বারো জায়গায় লেগাছি আমরা কি কৃষ্ণকে দেখুন নারায়ণকে দেখুন হনুমানকে দেখুন আপনি ভগবান রামকে দেখুন ওরাও তিলক লাগিয়েছে বিনা তিলক ছাড়া কেউ নেই কিন্তু কেউ কেউ বলে আরে ভজন করবে তো ভিতরে করো না সবাই দেখাতে হবে না গলায় মালা তিলক নিয়ে দেখাতে কি দরকার ভিতরে ভিতরে করো হ্যাঁ যদি এইরকম হয় কিন্তু আমরা দেখি মায়েরা মাথায় সিঁদুর লাগিয়েছে হ্যাঁ আর সিদ্ধি তারপরে মাকে বেশার সংখ্যা পড়ে আছে কিন্তু পতি কবে থেকে হলো তোমার বাড়িতে পতি বিয়ে হওয়ার আগের কোনো সম্বন্ধ ছিল মাঝখানে যদি ঝগড়া হলো ডাইভোর্স হয়ে যায় যদি দুই দিনের পত্নীর জন্য যদি তুমি এত শৃঙ্গার ধারণা করতে পারো হ্যাঁ যে প্রকৃত পতি জন্ম জন্মান্তরের যে পতি তার যদি কিছু করতে হয় কি না হ্যাঁ এই জন্যে যখন ছেলেরা স্কুল যায় হ্যাঁ ওরা ইউনিফর্ম ড্রেস পরে ইউনিফর্ম ড্রেস পরে থাকে তো স্কুলে অ্যাডমিশনই হবে না স্কুলে প্রবেশ করতে পারবে না পড়িব তো পরে যদি একটা পুলিশ নিজের ড্রেস না পড়ে না ওকে মানবে না সাজ বা বকিল যখন যায় কোর্টে তো নিজের কোর্ট পরে যেতে হয় কাপড় পরে যেতে হয় তখন ঘুরতে দেবে না ওখানে সেইরকম ভাবে ভগবানের কাছে যেতে হলে তিলক মালা কঠিন দরকার আছে ঠিক আছে আর তৃতীয় বস্তু হলো টিকেটটা কি বলে ভগবানের নাম ঠাকুরের নাম হলো এইটাই হলো টিকেট হ্যাঁ এই জন্য লাস্ট যা কিছু করুন অন্তিম সময় যখন আসবে হরি বল বল হরি হ্যাঁ আর আমাদের ওই দিনে বলে রাম নাম সত্য হে গোপাল নাম সত্য হে সত্য বলে যত হে সব পরিবার জুটা হয় কি বলে মানে হলো যতটুকু তুমি গোবিন্দের নাম নিয়েছো না রামের নাম আর ওইটাই আছে আর যা করেছ সব মিথ্যাতে জীবন কাটিয়েছ এটা ছোট সুতাও তোমার সঙ্গে যাচ্ছে না পত্নী কাঁদতে কাঁদতে দরজা পর্যন্ত যাবে পরিবার শ্মশান পর্যন্ত যাবে ওর আগে আর কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না আগে কেবল হরিনাম করে যাবে এই জন্য মীরা বলছেন পায়ো জি নেই নেই রাম রতন ধন পায় এই জন্য এখানে সুতনা এখানে মা যশোমতী গোপালকে তিনি তিলক ধারণ করালে তারপরে তিনি পুতনাকে শরীরকে যখন দাহ সংস্কার করে ওর শরীর থেকে কর্পূর অপূর চন্দন সেখান থেকে খুশবু এলো বলে কেন ভগবান তার স্তনকে তিনি পান করছেন এখানে শ্রী সুখদেব গোস্বামী একটি শ্লোক বলছেন এখানে বলছেন যদি ভজন করতে হয় না কেবল গোবিন্দের ভজন করবে আর কার করবে না বলে কেন করবো না দেখুন খুব একটা মূল্যবান তিনি একটি শ্লোক বলছেন ভক্তি কেবল কৃষ্ণেরই করবে অন্য কোনো দেবাদেবীর করবে না বলে কেন করবে না দেব তিনি কি বলছেন বলে পুতনা লোক বালাগ্নি রাক্ষসী রুধিরাসনা জিজ্ঞাসয়াপি হরে স্তনম তত্ত্ব অপসদ্গতি দেব কি বলছেন বলে পুতনার মধ্যে যত প্রকার অপগুণ ছিল বলে পুতনা প্রথম নম্বর পুত মানে পবিত্র নাম না তিনি অপবিত্র দ্বিতীয় লোকবালাগ্নি কি করতো কাজ কি ছিল কর্তব্যটা কি বলে ছেলেদের রক্ত পান করত বলে তৃতীয় নম্বর বলে রাক্ষসী বলে চৌথা নম্বর ভগবান যেন কি নিয়ে গেছিল বলে বিষ তারপরে সমস্ত অপগুণ আছে কিন্তু কৃষ্ণ তিনি এত দয়ালু এত কৃপালু কৃষ্ণ হ্যাঁ কেবল উপর থেকে কেবল একটা ড্রেস পড়ে গিয়েছে মার হ্যাঁ মার কিন্তু তাতেই ভগবান তাকে কোথায় স্থান দিলে তাকে গোলক বৃন্দাবনে ভাই মার স্থান দিয়ে দিয়েছে তখন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছে পুতনা পুতনা মানে যে পবিত্র নাম কিন্তু বলছেন যদি পবিত্র না হয়ে কৃষ্ণের কাছে গেলে তিনি তাকে গোলক বৃন্দাবনে স্থান দেন যদি কেউ একটু ভালো কাপড় পরে গোবিন্দের কাছে যায় একটু যদি ভালো কাপড় পরে স্নান করে যায় হ্যাঁ তাকে ঠাকুর কি দিবেন তৃতীয় নম্বর হলো ঠাকুরের জন্য কি নিয়ে গেছিল বলে বিষ ভগবান যদি বিষ নিলে তাকে এত সুন্দর গতি দিতে পারে যদি কেউ এমনি যান কিছু সাথে নাই এমনি যান ঠাকুরের কাছে তাকে কি না দিবে নতুবা তারপরে একটু ফল নিয়ে নতুবা একটু ফুল নিয়ে গেলে বা তার প্রিয় বস্তু একটু ননি একটু নিয়ে গিয়েছে মাখন তো ঠাকুর তোমাকে কি না দিবে ঠাকুর তোমাকে কি না দিবে বলুন কিন্তু এই জগতে দেখবেন সারা জীবন আপনি কার সেবা করেন সারা জীবন সেবা করতে করতে মর মিট যায়গা যদি একটু ভুল হয়ে গেছে না সঙ্গে সঙ্গে বল তুমি আমার জন্য কি করে আপনি বলুন সংসার সবাই আপনার সেবা করছে ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার এরপর যাতে তাকে সুখী করতে পেরেছেন বলুন তো
বলুন আপনারা, জগতের ছেলেকে সুখী করতে পেরেছেন, না মেয়েকে সুখী করতে পেরেছেন, না বৌমাকে করতে পারছেন, না শাশুড়িকে করতে পারছেন, না ননদকে করতে পারছেন, না কাকে সুখী করতে পারছেন এ পর্যন্ত? বলো কাকে করতে পারছেন? এইখানে বলছে যদি করতে হয় না গোবিন্দের জন্য করো, হ্যাঁ তার জন্য করো, তিনি একমাত্র তিনি, হ্যাঁ তার প্রতিদান তিনি দিতে পারে, জগতে কেউ দিতে পারে না। এই জন্যে বলে রাক্ষসী, যদি তিনি রাক্ষসীকে এইরকম গতি দিতে পারে তাহলে মানুষকে তার কি না দিবে? বলে কিম পূর্ণ শ্রদ্ধা ভক্তা কৃষ্ণ পরমাত্মনি, যদি তাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্তি করে তিনি কি না দিবে? এই জগতের নিয়ম হলো বলেগে আপ কেসে হো, বলে তব তক বলেগে আপ কেসে হো, বলে জব তক জেব মে পয়সা হো, জব তক জেব মে পয়সা হো বলেগে তুম কেসে হো, পয়সা ধন আপ নেই তুম কোন হো, বুঝতে পারছেন তো? তুম কোন হো ই শব্দ নিকলেগা, এই জগত কেসে স্বার্থ জগত হে, ইসলিয়ে করনা তো কিসকে লিয়ে করো? করনা তো ভগবান কে, ঠাকুর জি কে লিয়ে করো, ও সব কুছ দেনে ওয়ালে, ঠিক আছে? এই জন্য কৃষ্ণ তিনি প্রথমে পুতনাকে কেন মারলেন, শিক্ষা দিলেন ভগবান কে হৃদয় মধ্যে বসা দেলে প্রথমে পুতনাকে তোমাকে মারতে হবে। আপনারা বলুন তো ভগবান রাম সর্বপ্রথম কাকে মেরেছেন? কে বলবে বলো, ভগবান রাম সর্বপ্রথম কাকে মেরেছেন? তার কাকে। এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন দুই প্রভু ভাই, একই শিক্ষা দিয়েছে, পু ত না তিন অক্ষর, তার কা তিন অক্ষর, পু ত না মানে কি? যিনি পবিত্র নয় যিনি অপবিত্র বা অবিদ্যা, বলে তার কা তারক মানে তার অতি তারকা মানে জীবকে যে ভাগায়, জীবকে যিনি ভাগাতে থাকে, এখানে ইনিও স্ত্রী উনিও স্ত্রী। এই জন্যে দুই প্রভু করে করে একই বস্তু শিক্ষা দিয়েছে, হৃদয় মধ্যে ভগবানকে বসা দিলে প্রথমে পুতনা অবিদ্যা আধারটাকে দূর করো, তারপরে ভগবান তোমার হৃদয় মধ্যে তবে যে ঠাকুর বসতে পারে, ঠিক আছে? এখানে আমার রাধা রানীর কথা আছে, ঠিক আছে? রাধা রানী বলে শ্রীমতী রাধা রানী কি, আনন্দ বলে শ্রীমতী রাধা রানী কি। দেখুন কালকে না ভাগবতের সব থেকে বড় উৎসব কালকে আমার কালকে জানেন তো, কালকে হলো আমার সেই গিরিরাজ গোবর্ধনের পুজো। এই জন্য গিরিরাজ গোবর্ধন পুজোর এত মহত্ব, এই জন্য ওনাকে বলা হয় সর্ব অভীষ্ট প্রদাতা। কালকে তো ভালো কি কথা শুনবো, আমি একটু বলতেছি, ওনার নাম হলো সর্ব অভীষ্ট প্রদাতা, মানে কি সমস্ত ইচ্ছা তিনি পূরণ করে। কারা কারা গোবর্ধন দিয়েছেন দিয়েছেন না দেখবে, ওই পাথর উপরে পাথর রাখা আছে, দেখবেন তোমরা না পাথর উপরে পাথর রাখে, জানেন কেন রেখে দিয়েছেন? বলে ঠাকুর যাতে আমার এত তালা বিল্ডিং বানি, হ্যাঁ এই জন্য ও যত পাথর উপর পাথর লেগে দিয়ে না ঠাকুর তাকে অত বিল্ডিং বানিয়ে দিয়ে, দেখবেন গাছের মধ্যে না পাথরগুলো সুতো দিয়ে বাঁধা আছে, কেন যাদের ছেলেদের বিয়ে হচ্ছে না, মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, চাকরি ঠাকরি ঠিক করে হচ্ছে না, বলে ঠাকুর আমার যাতে ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যায়। এই জন্য আমাদের গুরুদেব বলতেন যে গিরিরাজ গোবর্ধন যদি কেউ পরিক্রমা করে ঠাকুর ওর পিছনে 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 ঘুরতে থাকে, এত কষ্ট করে আমার পরিক্রমা করছে, ও কি চায়? ঠাকুর তাকে তাই দিবে, হ্যাঁ ওখানে যতি পুরায় গিয়ে থাকবে, ওখানে মুখারুপিতে গিয়ে থাকবে, এত ওখানে দুধ চড়া হয়, এত দুধ দহি চড়ায় না নালিতে বই যাচ্ছে, ওখানে গিয়ে পুকুরের মতো একটা আছে, ওখানে দুধ দহি জমা হয়ে গেছে, বলে কেন করছে? এমনি কেউ করছে না, দুধ ঢালছে না, ঠাকুর তিনি সবাই ইচ্ছাকে তিনি পূর্ণ করছে। এই জন্য বলা হয়েছে সর্ব অভীষ্ট প্রদাতা, সমস্ত ইচ্ছাকে তিনি পরিপূর্ণ করে, আপনি আমাদের ইচ্ছা কি? তিনি ভগবান কৃষ্ণের ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করছেন। কালকে আমার সুকথা ভালো করে শুনবো, এনার এত মহিমা কেন? এই জন্য কালকে আপনার সবাই না নিজের বাড়ি থেকে কিছু কিছু নিয়ে আসবো, হ্যাঁ কৃষ্ণ নিজে স্বয়ং বলছেন গিরিরাজ গোবর্ধন যদি ওনার সেবায় একটি অন্নের দানা যদি কেউ ভোগ লাগিয়েছে, তিনি বলছেন কোন জন্মে তোমার বাড়িতে অন্ন বস্ত্রের কোন অভাব করবে না, তোমার বাড়িতে অন্ন পূর্ণা মা লক্ষ্মী একদম পূর্ণ হয়ে থাকবে, নিজে গিরিরাজ গোবর্ধন তিনি বরদান দিয়েছেন। এই জন্য আপনারা কালকে কিছু কিছু নিয়ে আসবেন, ফল হোক মিষ্টি হোক, আর যারা দীক্ষিত আছেন তারা চেষ্টা করবেন যদি একটু ভালো ভালো রান্না বান্না করে গোবিন্দের জন্য আনতে পারে, হ্যাঁ পুষ্পান্না ছানা ডাল আর ভালোভাবে যেটা আপনারা ভালো রান্না করেন, সুজির হালুয়া পুরি লুচি পুরি আর আলুদম ছোলার ডাল, হ্যাঁ হ্যাঁ মিষ্টি মিষ্টি
পিঠা পুলি হ্যাঁ পিঠা পানি পিঠা পুলি না পিঠা পানি যেটা ভালো বানাতে পারে সেটা ঠাকুরকে যদি একবার একবার যদি তাকে দিয়েছেন না জন্ম জন্মান্তর পর্যন্ত তোমাদের বাড়িতে কোনো অভাব থাকবে না। এত গিরিরাজের মহিমা এই জন্য কালকে খুব ভালো ভালো গিরিরাজের আমি কথা শোনাবো। গিরিরাজ কে পিঠা থেকে লোক কেন মহিমা মনে নাম এত কেন হয়েছে খুব ভালো ভালো কালির কথা শোনাবো ঠিক আছে। কালির গিরিরাজ আপনার কোথায় হবে দেখুন এই যে কথাটি না আমাদের মেরিয়া মহারাজ তিনি কথাটিকে রেখেছেন এখানে রাধা রানীর জন্ম উৎসবের উপলক্ষে তিনি রেখেছেন এই জন্য শেষে রাধা অষ্টমীতে সেখানে যজ্ঞ হবে মহারাজের ইচ্ছা উৎসব হবে হ্যাঁ উৎসব হবে কিন্তু বিনা পয়সা ছাড়া তো কিছু হয় না এই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন যাতে কিছু কিছু গোবিন্দ সেবায় দেওয়ার জন্য যদি ভাগবত কথায় ঠাকুরের জন্য সুদামা দোমুটি ছিড়া দিয়েছে ভগবান তাকে ত্রিভুবন রাজ্যে দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এই জন্য আপনারা কিছু কিছু রাধা অষ্টমীর জন্য সাহায্য করবে রাধা রানী হলেন মা লক্ষ্মী তিনি তার কৃপা হলে লক্ষ্মীর কৃপা হয় এই জন্য আপনারা মহারাজ সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন যদি কিছু আপনারা রাধা অষ্টমীর উপলক্ষে কিছু সাহায্য করতে পারেন হ্যাঁ যদি কেন না সাধুরা আপনার থেকে নিয়ে আসবে আপনাদের জিনিস নিয়ে আপনাদেরই সেবা করবে হ্যাঁ এরা তো কোনো কিছু করে না গোবিন্দের ভজন করে ঠিক আছে। এখানে আমরা শ্রী এখানে রাধা রানীর জন্ম কথা শুনবো রেডি হয়ে আছে ঠিক আছে হ্যাঁ দেখুন এই যে শ্রীমৎ ভাগবত গ্রন্থটি হ্যাঁ কিছু কিছু লোকদের প্রশ্ন হলো দেখবেন বৃন্দাবনে গেলে না ওখানে কেউ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে না কি বলে ওখানে জোরে ধরে বলো ওখানে সবাই শ্রী রাধা রানীর নাম এই জন্য কিছু কিছু লোকদের প্রশ্ন আপনারা তো খুব রাধে 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 বলে আবার আবার হরে কৃষ্ণ বলি হরে মানে শ্রী রাধা রানী বলে কি ভাগবতটা কি বলে ভাগবত হল অর্থ অয়ম ব্রহ্মসূত্র নাম ভারতার্থ বিনির্ণয় গায়ত্রী ভাষ্য রূপ অশো বেদান্ত পরিবর্তিত অর্থ হল যত বেদ পুরাণ উপনিষদের যে সার হল ভাগবত বলে সর্ব বেদ ইতিহাস নাম সার সার সম্বন্ধিত সমস্ত বেদ ইতিহাসে যে সার সারটা হলো ইয়ে শ্রীমদ ভাগবত বলে তোমরা তাকে রাধে 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 বলো তুমি ভাগবত এত বড় এত সুন্দর গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই ভাগবতের মধ্যে রাধা রানীর নাম কেন ভাগবতের মধ্যে রাধা রানীর নাম কেন নেই তোমরা তো রাধে রাধে বলো এর মধ্যে রাধা রানীর নাম কেন নেই কিন্তু আমাদের যে টিকাকারের বলে না বলে ভাগবত তো রাধা রানীর নাম ছাড়া আর কিছুই নেই এখান থেকে বলে রাধাই রাধা আছে ইসলিয়ে এই গ্রন্থ কা নাম কিয়া হে বলো যো গ্রন্থ কি কথা সুন রে ইসকা নাম কিয়া হে জোর সে বলো কেবল ভাগবত নি ইসকা নাম শ্রীমদ ভাগবত বলে ভাইয়া শ্রীমদ মতলব কিয়া হে বলে শ্রী মতলব শ্রিয়া ভগবান কি স্বরূপ শক্তি শ্রী মানে সৌন্দর্য শোভা অতএব শ্রী মানে শ্রিয়া মানে শ্রীমতী রাধা রানী কো সাথ মে ইয়ে ভাগবত নেই ये श्री मत भागवत माने इसमें श्री राधा रानी का मत मतलब प्रेम हमारा बोल अरे मत की एकदम मत वाला हो गया बोली ना मत खाकर के मत वाला बन गया है इसलिए ये भागवत नहीं बोले श्री मत श्री माने राधा की मत मतलब प्रेम बोले भागवत नहीं ये केवल राधा जी की प्रेम ही जिसमें वर्णन है और इसमें कुछ है ही नहीं है इसलिए इसका नाम भागवत ভাগবত মানে কি বলে ভাতি সর্বেশু লোকেশু বলে গ বলে কিয়তে নারদা দেবি বলে ব বরিষ্ঠ সর্বসাত্রসু বলে ত প্রতরণী চ ভবানবা হ্যাঁ इसलिए ये भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अगर इस संसार से कोई पार होना चाहते हैं क्या करो बोले करणी च भवानवा ये भागवत ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करने पर अनायास ही भव सागर से तुम्हारी पार हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम एक उदाहरण देकर समझाया है देखो कोई एक सेठ था हिंदी बुझते बात सुन तो कोई एक सेठ था हिंदी बोले ना बंगाली वाली ताकि तक की बोले हां एक तो ये एक समय कोई एक सेठ था वो सेठ ने खूब पैसा कमाता है लेकिन ये पैसा कहां रखता है अपने सेठानी के पास एक दिन सेठानी 2000 रुपया की गड्डी के गड्डी बना करके अलमारी में सजा करके रखा था और हीरे जवाहरात को अलमारी में पूरा सजा करके हीरे जवाहरात को रखा था। एक दिन वो सेठानी पागली हो गई और जितने एक गिलास की गड्डी के गड्डी रुपया था और सोना चांदी को लेकर के छत पर गई और उसको लुटाना उसने शुरू किया
लुटाना शुरू किया तो जितने दरिद्र जितने दुखी दरिद्र थे ना वो आ करके सबके सब पैसा को उठाया और हीरे जवाहरात को उठाए और धनी के धनी हो गए, माला माला हो गए। तो बोले भैया सेठ दिखाने के बोले सेठ श्री कृष्णा है, ये सेठ है, ये तो खूब प्रेम को कमाता है लेकिन ये रखता है किसको पास, बोले सेठानी। सेठानी कौन है? राधा रानी। अतः तो आप लोग को समझ रहे हो, इसलिए सेठानी श्री राधा रानी। अभी राधा रानी तो पास में, कृष्ण तो प्रेम धन को कमाते हैं लेकिन उसका जो ट्रेजरी है ना जिसको चाबी काटी वो राधा जी को पास में, सारे चाबी काटी राधा जी को पास में, वही ये धर्म को रखती है। इसलिए भक्ति, इसलिए राधा रानी भक्ति देवी, भक्ति केवल राधा जी दे सकते हैं, कृष्ण नहीं देते हैं। कौन देने वाले? श्री राधा रानी। अभी उन्होंने अलमीरा में कृष्ण प्रेम को, उन्होंने हीरे जवाहरात को रखे थे। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में बागड़ी बन गई, पागली बन गई और जितने हीरे जवाहरात को उसने लेकर के छत को कर गई राधा रानी और उसको लुटाना उन्होंने शुरू किया। और आप और हम जितने दुखी दरिद्र लोग बाहर से धन उठा करके हम सब के सब मालामाल हो गए। इसलिए कभी ये श्रीमद भागवत नहीं, कभी ये श्रीमद भागवत किया है, कभी जो श्रीमद भागवत है कि राधा रानी जब कृष्ण प्रेमित है, जब राधा रानी तिनी सही कृष्ण प्रेमित जब तिनी पागे नहीं होए किए, तिनी जब सही कृष्ण प्रेम के तिनी वितरण करते हैं। अतः ये भागवत हमारा सुनचना की हो चे बोले श्रीमद माने श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेमित है, कोई जब कथा सुनची कथा सुनचना कृष्ण प्रेम के तिनी वितरण करते हैं। अतः हमारा हम से कृष्ण प्रेम भिखारी कथा सुनचना की करछी कृष्ण प्रेम का हमारा संग्रह करछी और ये भागवत कथा सुनना हमारा से कृष्ण प्रेम एक दिन धनी हो जाए, से कृष्ण प्रेम धनी हो जाए हमारा। अरे एक दिन गोपिंद चरण के बैठला रहो है इतने का श्रीमद नाए एटा राधा रानी प्रेम की वितरण करछे इतने भागवत का नाम है श्रीमद भागवतम। बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर कर जाएगा बोले श्रीमती राधा रानी की। प्रश्न होचे भागवत केनो राधा रानी के नाम है और आछे तो किभाबे आछे, आज के हम बोलबो चार पांचटा काल और काली के हमने अपना तरीका से सुनबो। देखो के मायरा बोलते वाले ठीक आछे मन दे सुनचे कि ना, काल के जिज्ञास करो एरे कोन सुन जाता हमें काल बोलते वाले राधा रानी नाम केनो नहीं कारण की और नहीं तो कहना नहीं आचे तो किभावे आचे। प्रथम कारण श्रीधर स्वामी भागवत तिनी प्रथम टीकाकार तिनी तिनी बोल छे ये भागवत केन राधा रानी नाम नहीं, सुखदेव गोस्वामी तने तिनी केन वर्णना करनी बोले श्री सुखदेव गोस्वामी तिनी के बोले प्रिया सुत श्री वृषभानी जाए। ये राधा रानी तिनी होले ने प्रिय तोता, प्रिय तिनी तोता, तोता बोले ना प्रिय तिनी सुख पाकी अते राधा रानी श्री सुख राधा रानी ने प्रिय सुख ऐसे नियम हो राधा रानी तिनी प्रेम स्वरूप तिनी है रस स्वरूप बच्चे राधा नाम उच्चारण मात्र न सर्वमासी की मूर्छा बने फिर जब राधा रानी ने एक बार नाम लेते तिनी छह मास पर्यंत तिनी बेहोश हो गई। तिनी देख लेन यदि छह मास पर्यंत बेहोश हो जाए और सात दिन केवल आछे सात दिन के भागवत कथा को पूर्ण करता है और छह मास यदि बेहोश हो जाए तो भागवत कथा का सुना भी जाए लेकिन ने तिनी की कर चंद सेकंड राधा रानी नाम के तिनी सेकंड ने बोले एटा हलो प्रथम कारण। बोले द्वितीय कारण थी जखन सुखदेव गोस्वामी तिनी भागवत कथा तिनी बोलते जाछे बोलार आगे तिनी प्रश्न करछे ने श्री राधा रानी के बोले हे राधे तुम्हार नाम ता एई भागवत ग्रंथ की भावे हम ग्रहण करबो। राधा रानी आदेश दिछे बोले देखो तोता तुम्ही अमर नाम के तुम्ही स्पष्ट भाव में निबे ना यदि तुम्ही अमर नाम के नित है तुम्ही लुकी अमर नाम तक दिबे हां तुम्ही लुकी अमर नाम दिबे एटा राधा रानी के निर्देश एक ने तिनी कुथाय श्री शब्द कुथाय प्रिया शब्द कुथाय गोपी शब्द कुथाय वधु शब्द कुथाय तत् शब्द कुथाय सा शब्द तिनी एई शब्द तिनी राधा रानी नाम लेछे पर हमारा काल के समय से तथा कुथाय कुथाय के मेरा आधार है ना की भावे तेरे लिए चाहिए भागवते एगुलो हमारे जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सनातन गोस्वामी द्वारा उल्लेख करते कुथाय कुथाय के नाम लिए चाहिए।
এটা হলো রাধারানীর নির্দেশ, এই জন্য তিনি রাধারানীর নাম তিনি গ্রহণ করেন। তৃতীয় কারণ বলে তৃতীয় কারণ বলছে আপনারা মেহেন্দি পাতা হাতে লাগান, বাংলায় কি বলে মেহেন্দি মেহেন্দি বলে, আপনারা মেহেন্দি পাতা দেখেছেন দেখেছেন বলুন তো ওর রংটা দেখতে কিরকম, বলো হাতে পাতা লাগান চান না, মেহেন্দি পাতা কা রং কেসে আরাম দেখতে সবুজ, কিন্তু প্রকৃত ওর রং কি সবুজ কি, কিন্তু উপর থেকে কি দেখা যাচ্ছে সবুজ, কিন্তু তখন ওটা কি করতে হবে সিলির নোড়ার মধ্যে বাটতে হবে, যেন বাটেন তখন ওর রংটা কি থাকে সবুজ থাকে, তো যখন আপনারা হাতে লাগিয়ে দিয়ে ওর রং কিরকম হয়ে যায় লাল হয়ে যায়, মানে ঠিক সেইরকম ভাবে ভাগবতকে যদি আপনারা ডাইরেক্ট পড়িবেন না ওকে বলে সবুজ সবুজ কৃষ্ণ 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 দেখে যাবে আর কিছু দেখতে পাবে না, ভাগবত দশম স্কন্ধে পড়ুন তো বলে কৃষ্ণ 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 সব কৃষ্ণ কৃষ্ণ কথা আছে উপর থেকে সবুজ, কিন্তু যখন ভিতর দিয়ে দেখবেন না ওখানে লালই লাল দেখবেন, সেখানে কি দেখবে সেখানে শ্রী রাধা 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 ছাড়া আপনার কিছুই পাবে না, সব জায়গায় রাধাই রাধা সেখানে দেখতে পাবেন। হ্যাঁ বলে পিসা মানে কি বলে গুরু বৈষ্ণবের আঠবতে যখন ভাগবতকে পড়িবেন এই জন্য বলছে যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে চৈতন্য ভক্তের তুমি নিত্য কর সঙ্গ তবে তো বুঝিবে তুমি সিদ্ধান্ত রব, এই জন্য এই জন্মাদশ শ্লোকে যখন অন্যান্য ভক্তরা ব্যাখ্যা করছে কৃষ্ণ পর কিন্তু যখন বিশ্বনাথ চক্র ঠাকুর ব্যাখ্যা করছে সমস্ত সেখানে রাধে রাধে পুরা সম্পূর্ণ সেই শ্লোককে এত সুন্দর রাধা পর্বে তিনি ব্যাখ্যা করছেন অদ্ভুত ভাবে সেখানে তিনি রাধা রানীর নাম সেখানে দিয়েছেন, এই জন্য এটাতে তৃতীয় কয়টা কারণ হবে কয়টা কারণ হবে সব শুনছে কিন্তু তৃতীয় হচ্ছে এখানে চতুর্থ কারণ বলছে এখানে কেন ভাগবতের রাধা রানীর নাম নেই, উদাহরণ দিচ্ছে কৃষ্ণ কথা হলো যেরকম একটা নদী বই আছে নদী, হ্যাঁ নদীর মতো উদাহরণ দিয়েছে যেরকম নদীর জল সবাই খেতে পারে মানুষ এটা পাখি এটা পশু সবাই নদীর জল খেতে পারবে, কিন্তু যদি কুয়ার মধ্যে জল থাকে না ওই কুয়ার জলটা সবাই খেতে পারবে না, কুয়ার জল সবাই খেতে পারবে না, নদীর মধ্যে কেউ কাপড় ধুচ্ছে পশু পাখি ধরে ধুচ্ছে মহিলা ভেসে আছে, হ্যাঁ কিন্তু দেখবেন যে কুয়ার মধ্যে যে জলটা আছে না একদম নির্মল শুদ্ধ ঠান্ডা জল আছে, হ্যাঁ সেরকম ভাবছে উদাহরণ তিনি দিচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি হলো যেরকম বহতা হওয়ার নদীর জল, মানে কৃষ্ণ ভক্তি সবাই করতে পারে কিন্তু যে রাধা রানীর ভক্তি ওটা হলো কুয়ার জল, হ্যাঁ ঠান্ডা নির্মল জল ওই জলকে কে খেতে পারবে ওই খেতে পারবে যদি যার কাছে একটি যদি রসি থাকে তার কাছে যদি কোনো পাত্র থাকে না ওই কেবল ওই কুয়ার জলটা খেতে পারবে, মানে কি মানে বলছেন কৃষ্ণ ভক্তি তো সবাই জেনে দুর্লভ আছে সুলভ আছে কিন্তু রাধা রানীর ভক্তি এত সুলভ নয়, রাধা রানীর ভক্তি এত সুলভ ভক্তি নাই, রাধা রানীর ভক্তিকে কে পেতে পারবে বলছে যে পর্যন্ত কোনো রসিক পরম্পরাকে যদি কেউ গ্রহণ না করে, হ্যাঁ রসিকে পরম্পরাকে যদি কেউ মন্ত্র গ্রহণ না করে তবে রাধা রানীর ভক্তি এত সহজ ভক্তি নাই, এই জন্য আমাদের শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী তিনি বলছেন বলে ব্রহ্মী স্বরাদি সুদুরোহ পদার বিন্দ বলে রাধা রানীর চরণ কিরকম বলে ব্রহ্মা উপার্জন সেই রাধা রানীর চরণকে তিনিও প্রাপ্ত করতে পারেনি, এই জন্য তিনি শেষে পাথর হয়ে বর্ষান রূপে জন্ম নিয়েছেন, বলে ঈশ্বর মানে শিব তিনি তার কৃপা পেতে পারেনি, এই জন্য আমরা শুনব যখন ভগবান রাস করেন শিব তখন গোপীরূপ হয়ে আসেন কিন্তু গোপীরা কি করছে তাকে চুলের মুঠা ধরে তাকে বের করে দিয়েছে আর তিনি দরবার মিলে কাজ করছেন, মা লক্ষ্মী সব জায়গায় দেখবেন এরকম ভাবে বসে আছে, বৃন্দাবনে গিয়ে দেখুন বেল মানে বলে বিহার কামান সুচির দেবতা কঠোর তিনি তপস্যা করছেন এপর্যন্ত তিনি প্রবেশ পান সেই বৃন্দাবনে, হ্যাঁ সেখানে নারদ উদ্ধব মত ব্যক্তি সেখানকার চরণ ধুলিকে তিনি প্রার্থনা করছেন ঘাস লতা হয়ে জন্ম দেওয়ার জন্য, এই জন্য রাধা রানীর ভক্তি তো সহজ ভক্তি না, এই জন্য ব্রহ্মেশ্বরাদি এখানে টিকাকারীরা ব্যাখ্যা করছে ব্রহ্মেশ্বরাদি আদি ঈশ্বর যে কৃষ্ণ না কখনো কখনো কৃষ্ণের জন্য রাধা রানীর চরণ দুর্লভ হয়ে যায়,
राधा रानी के देखो मैंने मान कर बोले ना बोले आज के हम यार कोई काला व्यक्ति के देखते चाहे ना जब तो काला सब भूल तो सखी तेरे को बोले देखो तुम्हारे जो भूल रहो काला अच्छे ना वो खाने वो चंदन लाखी तो सादा बनी दाओ और जो चूला अच्छे और मतलब फूलर माला दिए उल्टा को सादा कर दाओ है आज के को ना हम काला व्यक्ति देखते चाहे ना काला व्यक्ति के ढूंढते दी बना कृष्ण उपार्जन सही राधा रानी चरण पावार्जने भगवती जोगी वेश धारण करे भगवती माली हारणी पाली हारणी तो हम तुम्हें रूप धारण करे चेष्टा कर जाता है भी सही राधा रानी के दर्शन करते भाई लेकिन राधा रानी चरण अत्यंत दुर्लभ केवल राधा जी भक्ति तीन प्राप्त कर पारे यदि केव कर रसी की परंपरा तो तीन आसे एमनी भजन कर पर पावना जे संप्रदाय के को यदि वो तो दिखा मत नहीं है ना अरे जे संप्रदाय राधा रानी की भक्ति नहीं कृष्ण की भक्ति नहीं तुम पावे बुला देते कि निराकार उपासना करे तो ठाकुर की मानना कोई कर्म के जो भोग दिए तुम राधा रानी भक्ति पावे बुला देते एक जने नियम होलो कोनो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय रसी की संप्रदाय ते हमारे ग्रहण कर भजन करता है तखन से राधा रानी की भक्ति हमारा तखन पेट बार होता आगे राधा रानी की भक्ति हमारा पेट बार होना एक जने राधा रानी भक्ति वाला अत्यंत दुर्लभ भक्ति हो श्री राधा रानी की भक्ति बोले श्रीमती राधा रानी जय जय श्री राधे ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल एक नाम पर राधा रानी इधर जन्म मिले हमारा तो जन्म कथा सुन एक है हिमालय पर्वत रे जे मैं होलो हिमालय पर्वत रे हिमालय पर्वत रे बेटी के मैं के पार्वती पार्वती कार संगे भी हो जे पार्वती शिवेर संगे सीम ठाकुर हिमालय में की लागे जमाई ऐ जने हिमालय इधर अपने रुको को सुनो तेरी वर्णना कर चें ऐ जने हिमालय पर्वत ना नीचे के खूब अभिमान करे अरे जेखाने जाए ना हाँ यदि कौन बड़ा मंत्री संगे कार परिचय को थाके ना यदि परिवार अनेक दूर थे यदि समान थाके बोले जानो ममता दीदी की लागे हमार अमुक लागे हर मोदी की लागे जानो हमार परिवार में अमुगर बोधी सिरे का भाग है एक अंजे हिमालय पर्वत सीम ठाकुर के सत्यम शिवम सुंदर यदि सीम ठाकुर का जमाई है साधारण कथा थी है एक अंजे हिमालय पर्वत के ना सब पर्वत रे का से निजर महिमा गाए जानो हमर जमाई के हमार जमाई साधारण न देव देव महादेव जोगी जोगी महाजगी सत्यम शिवम सुंदर सवारी का चित्र निजे प्रशंसा करें निजे हाँ निजे बढ़ाई करें एक अन्य विंध्याचल पर्वत देख लो हरी तो प्रबल मास की सब जगह की हमारे जमाई ये तो हमारे जमाई का हो हमारे जमाई का एक अन्य तीन की कर ले ब्रह्मा रूप आसना कर ले हैं एक अन्य ब्रह्मा के अन्य संतुष्ट हो इसे बोले की जाओ बोले हमारे ए रकमल की मैं दरका राचे हमारे ए रकमल की जमाई हमें ना जे सी ठाकुर जाते प्रभु है सी ठाकुर जाते और सेवक है सी ठाकुर जाते और सेवक है सर्व गुणे सीम थे सर्व गुणे गुणी जाते हमारे तो जामाई है एक न ब्रह्मा तेरे आशीर्वाद दिले बोले मैंने जामाई को कौन अभी बाड़ी तेरे मैं ऐले तभी तो जामाई अभी हैं मैं ऐले तो जामाई अभी एक न साधारण मैं बोले कि आज अभी ना हैं ऐसे ने शिवर प्रभु के बोले कृष्ण हैं शिवर प्रभु बोले कृष्ण यदि कृष्ण यदि जामाई है तभी तो आज अभी उन्हार शक्ति के बोले राधा रानी यदि राधा रानी यदि मैं है तभी की है तभी जामाई सीत थे श्रेष्ठ है एक बार तीन ब्रह्मा कथास्तु कर दिए चल किंतु राधा रानी तीन नित्य पुत्री बने श्री वृषभ हनुमान महाराज है एक बार माँ कृतिका सुंदरी तीन गर्भवती एक बार ब्रह्मा के लिए जोग माया के आदेश दिए चे एक बार जोग माया की पर चे राधा रानी हर जो चंद्रा बली ना है ये दू जन के उनार माय गर्भत के आकर्षण करे हमारे विंध्याचल पर्वत के गर्भ स्थापना कर दिए थे एक बार उपयुक्त समय वाले विंध्याचल रे जे पत्नी तिनी दुईट कन्या के तिनी जन्म दिए छे एक श्रीमती राधा रानी और द्वितीय होले श्री चंद्रावली दुईट कन्या के तिनी सेखाने जन्म दिए छे एक बार इति मध्ये की होए छे जखन कंस हैं जखन कंस जखन जोग माया के वसुदेव महाराज नी आसछे कंस जखन देखलो मैं होइ छे तखन कंस मारते गिए छे
ଫେର କଂସ ପାଦରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ଦିଏଛେ ଏଗୁଡ଼ ତିନି ପାଏରେ ମାଝିରେ ଲାଠି ଦିଏ ଲାଠି ଦିଏ ତିନି ଆକାଶ ଉଡ଼େଇ ଦିଏଛେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଧାରଣ କରି ଦେବୀ ତିନି ବୋଲଛେ ବୋଲେ ରେ ବୁଢ କଂସ ତୁମେ ଆମାକେ କି ମାରିବେ ତୁମକେ ଯେ ମାରାର ଲୋକ ନା ଅନ୍ୟତ୍ର ଜନ୍ମ ନିଏଛେ ତିନି ଏକା ଜନ୍ମ ନିଏ ନେଇନି ଓନାର ଲାଭରି ଶକ୍ତି ପରାଶକ୍ତି ତିନିଓ ତିନି ଜନ୍ମ ନିଏଛେ ଦେଖ ହଁ তিনি আমা থেকো দেখতে সুন্দরী আমা থেকো তিনি অত্যন্ত গুণবতী যদি ওই মেয়েটি সঙ্গে তার বিয়ে হয় না ওর যে পতি হবে ত্রিভুবন বিজয় প্রাপ্ত করবে তার সারা দুনিয়াতে তার যশ হবে হ্যাঁ তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত করবে এখন তিনি এই সমস্ত কথাগুলো বলেছে এই জন্য কংস তিনি পুতনাকে বলছে দেখো পুতনা তুমি যদি ছেলে পাও না মেরে দিবে আর যদি মেয়েকে পাও না মারবে না আগে নিয়ে আসো আমি বিয়ে করবো আমি ওর সাথে বিয়ে করবো কেন ওই আমার যে দেবী ওই কথা সব বলেছে ওনার সত্যিও কোথায় জন্ম নিয়েছে হ্যাঁ ওনার সঙ্গে বিয়ে করলে চির অমর হবে তুই মারবে না মেয়েকে নিয়ে আসবি এখনো পুতনা কি করেছে এখন চারি দুনিয়া তো হল্লা হয়ে গেছে কার বাড়িতে ছেলে আর বাড়ছে না কেউ একজন এসে চার বাড়িতে ছেলে নেই কখন কেউ কেউ কিভাবে এসে কেউ ওকে মেরে দিয়ে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তাতে মেরে দিয়ে চলিয়েছে এখন তো ওই যে হ্যাঁ বিন্ধ্যাচল পর্বত দুঃখী হয়ে গেছে আমারও দুইটি মেয়ে আছে যদি কেউ না মেরে ফেলে কিন্তু পুতনা না সে কখনো যে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে গিয়েছে আর ওই ধূট মেয়েটিকে নিয়ে আকাশ উড়ে চলে গেছে যখন উড়ে চলে গেছে তখন বিন্ধ্যাচল দেখল আমার দুইটি মেয়ে অপহরণ হয়ে গেছে তখন তিনি ওনার পুরোহিতকে ডেকে তিনি উচ্চারণ মন্ত্র প্রয়োগ করেছে বলে এইরকম মন্ত্র তুমি প্রয়োগ করে যাতে পুতনা মারা যায় পুতনা মারা যায় যখন তুমি সেই মন্ত্র প্রয়োগ করছে আর পুতনা তো ছটপট 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 করতে আরম্ভ করছে ছটপট করতে করতে তিনি কি করছে চন্দ্রা বলিকে তিনি একটি গ্রামের মধ্যে তিনি চলে গিয়েছেন ওখানে আর সে রাধা রানীকে তিনি যমুনাতে রেখে তিনি চলে গিয়ে চলে গেছেন হ্যাঁ এই জন্য রাধা রানী চন্দ্রা বলি গ্রাম দেখিবেন ওই পাশাপাশি পাশাপাশি ওটাই গ্রাম এখানে কি হয়েছে শ্রী বৃষভন মহারাজ ওনার একটি ছেলে ছিল সীতা কিন্তু বাড়িতে কোনো মেয়ে নেই এই জন্য ওনার ইচ্ছা বাড়িতে যাতে একটি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে তিনি প্রত্যেক দিনই ব্রহ্ম মুহূর্তে তিনি যমুনা নদীতে স্নান করতে যেতেন এখন স্নান করতে গিয়ে দেখে একটি শতদল পদ্ম পুষ্প উপরে একটি সুন্দর একটি বালিকা তিনি তিনি শয়ন করিয়াছে নিজের তিনি অঙ্গুঠাকে তিনি চুষছে হ্যাঁ আর শরীরের জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাস করছে আর তিনি ভাসতে 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 আসতে এখানে বৃষভানু মহারাজ দেখে না তিনি যমুনার মধ্যে নদী মধ্যে গিয়ে ওই মেয়েটিকে তিনি কোলে তিনি তুলে নিয়েছেন বলে শ্রীমতী রাধা রানী এখানে রাধা রানীকে এনে তিনি কীর্তিদা সুন্দরীকে দিয়েছেন ওনার তো নিজের মেয়ে ছিল ওনারই ছিল মেয়েটি কিন্তু কিভাবে চলে গিয়েছে বৃষভানু মহারাজ বলছেন কীর্তিকে ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আমাকে একটি মেয়ে আমার পেয়েছি তিনি এখন রাধা রানীকে তিনি যত্নভাবে তিনি পালন করছেন কিন্তু জন্ম থেকে তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন বলে আমি সর্বপ্রথম নিজের প্রিয়তমকে দেখে আমি চোখ খুলবো ওর আগে আমি চোখ আমি খুলবো না ইতিমধ্যে কি হয়েছে কৃষ্ণ এখন গোকুলকে জন্ম নিয়েছেন নারদ তিনি চিন্তা করছেন কৃষ্ণতে একা জন্ম নিতেই পারে নিশ্চিন্ত রূপে ওনার সক্রিয় কোথায় জন্ম নিয়েছে এই যে নারদ তিনি গলি গলিতে গিয়ে সব জায়গায় তিনি গিয়ে সবার বাড়িতে বাড়িতে দেখছে কোথায় ওনার শক্তি জন্ম নিয়েছে কিন্তু কোথায় ললিতা কোথায় বিশাখা কোথায় চপ্পলতা সব কৃষ্ণের সখার জন্ম কিন্তু আর সেই রাধা রানীকে আর খুঁজে খুঁজে পাচ্ছে না যখন তিনি রাবণতে এসেছেন বৃষভানু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে তোমার বাড়িতে কি কোনো সন্তান জন্ম নিয়েছে তখন তিনি ছেলেটাকে দেখান বলে কোনো মেয়ে জন্ম নিয়েছে চুপ হয়ে যান কেন তিনি যমুনা নদী থেকে পেয়েছে বলে হ্যাঁ একটি মেয়েও জন্ম নিয়েছে বলে নিয়ে আসো যখন নিয়ে আসান না দেখে তো চিনতে পেরেছে আর এই তো কৃষ্ণের লাগিনি শক্তি স্বরূপ শক্তি এনাকে তো আমি খুঁজছিলাম এখানে তিনি রাধা রানীর একটু স্তুতি করতে চান কিন্তু পিতা মাতা কি মনে করি আমার মা মেয়ে কিন্তু তিনি জানে না ভগবান তিনি স্বরূপ শক্তি ইহা তিনি জানেন না তিনি একটু ছলনা করছেন যাও একটু ফোন ঢুল নিয়ে আস তোমার মেয়েকে না আমাকে স্বস্তি বাচনা করে আশীর্বাদ করে যখন তারা ভিতরে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে রাধা রানী তিনি কিশোরী হয়েছে
ललिता विशाखा सखी सब प्रकट होएगी चे इति मध्ये ललिता नारद के बोलते बाबा की बेच तारा तेरे आधार में स्तुति कर तत्वा एकने का आधार है कि नी अंतर ध्यान हो जावे व नारद के आधार है नी खूब सुंदर स्तुति करे इति स्तुति नाम होलो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र यदि ये स्तोत्र के केवल पाठ करे निश्चित रूप तार पर आधार की कृपा अबे ही पर राधा कुंडल मध्य जब डालिए इस स्तुति के 108 बार के ऊपर है राधा रानी स्वयं तेरी प्रकट होए ताके दर्शन प्रदान करें एक तो एर मध्य स्तुति मध्य शक्ति जने अपना रसवाय चेष्टा करवे बालिते प्रत्येक दिन यही कृपा कथा पर स्तोत्र के पढ़ा लेने हमारा दूसरा श्लोक पढ़ ठीक है नियास में देख महाराज उधर नियास हो दिव्य महाराज राधा रानी के नियास हो निंद्रबिंदवन्दिते त्रिलोकसोतहारिणे प्रसन्नपुष्पपङ्कजे निकुञ्जभूमिराजिनि प्रणेन्द्रभानुचन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गजे सदाकरीश्वरी अवा निया श्लोक है निया श्लोक
अभी राधा रानी आ रही है। बोलो बरसाने वाली की, बोलो कीर्तिदा कुमारी की, जय जय श्री राधे। की राधे राधे रट कही कोटि जन्म की आंगना श्री राधा नाम होती जाए। बोले रे बाबा की राधे मेरी स्वामी राधे मेरो दास जन्म जन्म मही दीदियो श्री वृंदावन बोले बरसाने वाली राधा रानी जन्म के छे यदि राधा रानी जन्म के तो नाचे ना और माँ लक्ष्मीपुर का कृपा हो पूरा घर रानी को भय हो जब तो बधाई बाजे राधा को भय हो जब तो बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे राधा 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 राधा
दियो पुत्र जानो मैं तो मार्ग तिहारी बुहार रही तब मैं तो तब से बाट निहार रही मैं तो तब से बाट निहार रही राधा मेरी स्वामी और मेरा धे भोला जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन अरे वृंदावन शोभन नहीं और नंद दाम सोता बंसी बट सोबट नहीं कृष्ण नाम सोना कृष्ण नाम सोना हो अपनी वाणी में अपनी वाणी में अपनी वाणी में Rasna, 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 Ras
सुनिए, परसों कथा का विश्राम है, कथा कभी समाप्त नहीं होता, कथा का विश्राम। लेकिन परसों मेरे कोई विशेष काम है, मेरे को विदेश जाना है, इसलिए पहले से ही मेरी फ्लाइट में टिकट बना हुआ और कोई फ्लाइट बीच में थी नहीं, इसलिए परसों शाम को मेरी फ्लाइट है। इसलिए परसों हम कथा सवेरे 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक सवेरे परसों कथा होगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है, इसलिए परसों हम लोग 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक कथा को हम कथा करेंगे। और दूसरा चल तो हम आगे विदेश जाते हुए आगे तक हमारे टिकट काटा चलो फ्लाइट कर दे, अन्य को टिकट मिला ना, इसलिए परसों नोएडा देखे लिए 1 बजे कथा दे। और परसों जो कथा सुन रहे मैंने 7 दिन की कथा के आधा सुने चाहे क्यों, आज के आधे सुने चाहे क्यों, शेष ऐसे चाहे, किंतु लास्ट दिन जो कथा सुन रहे 7 दिन की कथा सुना फल सब कुछ दी जाए लास्ट दिन की कथा। इसलिए लास्ट दिन की कथा हम लोग सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अपना घर प्रार्थना परसों कल की तो गिरिजा पूजा हमें जेरकम कथा हो रकम हमें, किंतु परसों दिन अपना का क्षमा प्रार्थना चाहिए। আমি এইবার 7 দিন পুরো থাকতে পারলাম না, এই জন্যে আগেবার চেষ্টা করব, এই জন্যে এই কইদিনই সকালে হবে, ঠিক আছে? এখন ঠাকুরের আরতি Oh,
जय श्री शिव मंदिर।